उस आदमी ने जैसे ही चिल्लाया, सारी भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। सामने बेहोश चेतन पड़ा था। उसे देखते ही एक आदमी ने कहा, ये लड़का फिर से हमारे गांव में आ गया, अब तो भाई फिर से सब बिगड़ने लगेगा, कोई देखो इसे क्या हुआ है। वीर सिंह जो वहीं खड़ा था, वो आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन फिर वो रुक गया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। वहीं खड़ा एक दूसरा आदमी आगे आया और उसने बेहोश चेतन के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो उसे होश आया। चेतन ने किसी तरह से अपनी आंखों को खोला और सामने भीड़ देखकर वो घबरा गया। वो जल्दी से उठकर बैठ गया और अपने चारों तरफ देखते हुए बोला, मैं वापस आ गया? उस आदमी ने गुस्से से कहा, हाँ आ गए तुम वापस, लेकिन क्यों आए हो ये बताओ पहले, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई दोबारा से हमारे गांव में आने की? तभी गांव के मुखिया सामने आए और बोले, चेतन तुम्हें इस गांव से जाने को कहा था, फिर तुम वापस क्यों आए? क्या चाहिए तुम्हें हमारे गांव से? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे आने के बाद से ही खूनी वधु और भी खतरनाक हो चुकी है। तुमने रात में मंदिर में प्रवेश करके हमारी प्रथा को तोड़ा और उसके बाद से ही इस गांव में मौत होना तो आम बात हो गई है, और इन सब का कारण केवल तुम हो, तो तुम्हें क्या जरा सी भी हम सब की फिक्र नहीं है? चेतन उठा और धीरे से बोला, मुखिया जी मुझे आप सबकी फिक्र है, तभी तो मैं यहाँ से नहीं जा पा रहा हूँ। यकीन मानिए मेरा, खूनी वधु के आतंक के पीछे मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सच पता करने की कोशिश कर रहा था, और भगवान की कृपा से जो कुछ भी पता चला है उससे ये तो साफ है कि खूनी वधु जो भी हो, लेकिन वो जिसके शरीर में है, यानी कि चित्रलेखा के शरीर में, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। चेतन की बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जहां गांव के लोगों को चेतन अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था, वहीं गांव से बाहर जाने वाले हाईवे के रास्ते पर उस खेत के बीच बने झोंपड़े में खूनी वधु अर्जुन को अपना शिकार बना रही थी। रात के अंधेरे में उस झोपड़ी में खूनी वधु की चमकती आंखें अलग ही खौफ पैदा कर रही थी। वो अर्जुन को अपनी बाहों में जकड़े उसे लगातार चूमे जा रही थी, लेकिन उसके चूमने में प्यार कम और नफरत ज्यादा थी, जैसे कि वो उससे किसी बात का बदला ले रही हो। अर्जुन जो पूरी तरह से खूनी वधु के सम्मोहन में था, वो भी अपने होश खोए हुए पूरी तरह से उसके आगोश में सिमटा हुआ था। दोनों के बदन एक दूसरे से उलझे हुए थे और खूनी वधु अर्जुन के बदन से उसके कपड़ों को अलग कर उसके शरीर को चूम रही थी। अर्जुन भी उसके होठों को महसूस करके मदहोश हुए जा रहा था। धीरे धीरे खूनी वधु ने अर्जुन को अपनी पकड़ से आजाद करना शुरू किया, तो अर्जुन के बदन में कपकपी शुरू हो गई। वो बेचैन हो रहा था। खूनी वधु के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी उसने अर्जुन को अपनी ओर खींचा और उसके होठों पर किस कर लिया। इन बातों से अनजान दूसरी तरफ चेतन की बातों को गांव वाले बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे, तो मुखिया ने गुस्से से कहा, ये क्या तुम हमेशा एक नई कहानी सुनाते रहते हो? कभी तुम्हें ये तक यकीन नहीं था कि हमारे गांव में एक भूतनी है, और अब तुम कह रहे हो कि जो खूनी वधु है वो कोई और ही है, और उसने बस किसी चित्रलेखा का शरीर लिया हुआ है। वीर सिंह जो चुपचाप से चेतन की बातों को सुन रहा था, उसने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, ये चेतन आखिर कहना क्या चाहता है? चित्रलेखा खूनी वधु नहीं है से इसका मतलब क्या है? तो फिर खूनी वधु कौन है? ये तो कुछ अलग ही बात कर रहा है। तभी चेतन ने कहा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, वो खूनी वधु कोई और है, जो एक श्रापित आत्मा है, और उसने जिसका शरीर लिया हुआ है वो चित्रलेखा है। मैं जानता हूँ चित्रलेखा को, मैंने देखा है उसे, मिला हूँ मैं उससे। भीड़ से वही रिक्शा वाला जो सबसे पहले गांव में चेतन को मिला था, वो निकल कर बाहर आया और बोला, ये भैया ना सच में पगलेट है, जब सबसे पहले गांव में आए थे तभी कह रहे थे कि भूतनी से बात किए है। उसके बाद उस दिन जब वो भूतनी हमें मारने वाली थी, तब भी ये उस भूतनी से बातें कर रहे थे, जैसे कि उसके साथ दोस्ती करे रखे हो, और अब फिर कह रहे हैं कि मिले हैं उससे। दिमाग खराब है या फिर कोई तुम भूत प्रेत हो भैया? चेतन अभी कुछ कहने ही वाला था
कि तभी अर्जुन के पिता दिनकर जी जोर से बोले, आप सब क्यों इस लड़के पर समय खराब कर रहे हैं? हमें इस वक्त पहले अर्जुन को खोजना चाहिए, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। हे भगवान, रक्षा करना। दिनकर जी की बात पर सभी लोगों का ध्यान गया तो मुखिया ने कहा, हाँ इसे छोड़ो, पहले हमें अर्जुन को खोजना चाहिए। सभी वहां से जाने लगे तो चेतन ने पीछे से वीर सिंह को आवाज दी, तो वीर सिंह वहीं रुक गया। उसके पास आकर चेतन ने कहा, वीर सिंह मेरी बात का अब तो भरोसा कर लो। तुमने ही कहा था ना कि मेरा इस गांव में आना कोई संजोग नहीं है, और ना ही उस चित्रलेखा किताब में जिस इंसान की तस्वीर थी उसके निशान और मेरे बर्थमार्क का मिलना कोई इत्तफाक है, तो फिर तुम अब क्यों नहीं मेरी बात का यकीन कर रहे हो? चेतन की बात सुनकर वीर सिंह बिना कुछ बोले वहां से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। उसने चलते चलते ही खुद से कहा, चेतन कह तो सही रहा है, हमने खुद देखा है कि उसके आने से वो खूनी वधू भाग गई थी, या फिर वो ही पहला इंसान था जो मंदिर में रात भर रुक कर भी जिंदा बचा। और तो और, चित्रलेखा किताब वाली बात भी सही ही है। हम मानते आए हैं कि इस गांव में चेतन का आना कोई संजोग नहीं है, बल्कि भगवान की मर्जी है। लेकिन ये भी तो सच है कि चेतन ने हमारा भरोसा तोड़ा है। उसे अगर कुछ पता भी था तो उसने पहले क्यों नहीं बताया हमें? उसने तो तांत्रिक बाबा के वार से खूनी वधू को बचा लिया, और तो और हमारी बहन माही को लेकर भी उसने बात छिपाई हमसे। नहीं, हम उसे माफ नहीं कर सकते। वीर सिंह अपने ख्यालों में खोया हुआ सभी लोगों के साथ चला जा रहा था। चेतन भी उन्हीं लोगों के पीछे पीछे जा रहा था। तभी दिनकर जी की तेज चीख सुनाई दी, अर्जुन! जैसे ही दिनकर जी की आवाज वीर सिंह ने सुनी, वो भागते हुए आ गया। भीड़ को चीर कर वीर सिंह ने जैसे ही देखा, सामने सड़क पर अर्जुन की लाश पड़ी थी, ठीक उसी हालत में, वैसी ही सफेद और अकड़ी हुई। दिनकर जी तो माथे पर हाथ रखे रोए जा रहे थे। हे भगवान, मार दिया उस खूनी वधू ने हमारे बच्चे को, अरे हम तो बर्बाद हो गए। आवाज सुनकर चेतन भी भीड़ से निकलकर बाहर आया और सामने पड़े अर्जुन की लाश देखी तो वो बुरी तरह से चौंक गया। उसने परेशानी से खुद से कहा, ये तो अशोक है। उसकी बात सुनकर उसके बगल में खड़े एक आदमी ने कहा, तुम ना सच में पागल हो, सब कह रहे हैं कि वो अर्जुन है तो तुम कह रहे हो अशोक है, किसी चीज का नशा करते हो क्या? उस आदमी की बात पर चेतन झेप गया और खुद से बोला, मैं भी ना, जो बातें मैं सोच रहा हूँ वो इन लोगों को नहीं आने वाली समझ, फिर मैं क्यों बोल देता हूँ? ये अर्जुन हो या करण, लेकिन मेरे भूतकाल में इसकी शक्ल उस अशोक से मिलती है, यानी कि खूनी वधू ने इसे इसलिए मारा क्योंकि इसकी शक्ल अशोक से मिलती है। चेतन ये सोचते हुए भीड़ से बाहर आया और सड़क की एक साइड जाकर खड़ा होकर सोचने लगा, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ तो क्या खूनी वधू उन लोगों को मार रही है जिनकी शक्लें मेरे भूतकाल के उन लोगों से मिलती है जिन्होंने चित्रलेखा के साथ गलत किया है? मतलब कि भूतकाल और मेरे वर्तमान काल में जो लोग हैं उनकी या तो शक्लें मिल रही है या फिर कोई और चीज से वो कनेक्टेड है। चेतन अभी ये सोच ही रहा था कि तभी किसी ने उसे अपनी ओर घुमाया और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तो जवाब में चेतन भी अपना हाथ उठाते उठाते रुक गया। उसके सामने दिनकर जी खड़े थे जो उम्र में चेतन से काफी बड़े थे, इसलिए चेतन ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? दिनकर जी ने गुस्से से कहा, तेरे कारण उस खूनी वधू ने मेरे बेटे की जान ली है, तू आया और तेरे आने के साथ ही एक और मौत हो गई हमारे गाँव में। दिनकर जी की बात पर सभी लोगों ने सहमति जताई तो चेतन ने अपनी सफाई देनी चाही, पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। भीड़ ने उसे घेर लिया जैसे कि उस पर हमला करने वाले हो। तभी एकाएक वीर सिंह ने चिल्लाते हुए कहा, बस कीजिए आप सब, यहाँ पहले से ही एक लाश पड़ी है, हमें उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए पहले, ना कि आपस में लड़ना चाहिए। और इसमें किसी की भी क्या गलती है? वो खूनी वधू अर्जुन की जान नहीं लेती अगर वो अकेले ना निकलता, वो अपनी शादी से नहीं भागा होता तो ये सब नहीं होता। खूनी वधू चेतन के आने के बाद से नहीं आई है हमारे गांव में, वो कई सालों से भटक रही है,
तो इसमें किसी के आने जाने से क्या फर्क पड़ता है? खूनी वधू आज से ये नहीं कर रही जो उसके लिए किसी को भी दोषी बनाए। अर्जुन को खूनी वधू की सच्चाई पर भरोसा नहीं था और वो निकल गया घर से रात के वक्त अपनी शादी से ही भागकर, तो हो गया ना ये कांड। वीर सिंह ने गुस्से से एक ही सांस में अपनी सारी बातें कह दी तो सभी लोग शांत हो गए। दिनकर जी दुखी मन से अपने बेटे की लाश के पास आए और फिर कुछ लोगों की सहायता से उसे लेकर जाने लगे। चेतन वीर सिंह के पास आया और बोला, थैंक यू वीर सिंह, तुमने आज मेरी फिर से मदद की है, मुझे समझने के लिए थैंक्स। चेतन की बात पर वीर सिंह ने कहा, ये सब हमने तुम्हारे लिए नहीं किया, तो कोई गलत फहमी मत पालो, जो भी किया है अपने गांव वालों के लिए किया है। अपनी बात कहकर वीर सिंह वहां से चला गया तो चेतन वही खड़ा सोचने लगा, पास्ट में मुझे जो जानना था मैंने जान लिया, लेकिन अब आगे जो भी करना है वो जल्दी करना है। चित्रलेखा के भीतर जो श्रापित आत्मा है उसकी हकीकत तो पता करनी ही होगी, तभी जाकर चित्रलेखा को भी मुक्ति मिलेगी और इस गांव को भी इन मौतों से छुटकारा मिल सकेगा। और इस हकीकत तक पहुंचने के लिए मुझे कहीं से तो शुरू करना होगा। चेतन के चेहरे पर एक आत्मविश्वास था। दूसरी ओर वीर सिंह अपने घर पहुंचा तो माही बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। वीर सिंह के आते ही माही ने कहा, भैया मैंने सुना है कि चेतन गांव में वापस आ चुका है, आप उसे घर लेकर नहीं आएंगे भैया? माही की बात पर वीर सिंह ने गंभीर होते हुए कहा, माही चेतन का हमसे कोई वास्ता नहीं है, बेहतर होगा कि उसे भूल जाओ, वो यहाँ नहीं रह सकता। माही ने वीर सिंह का रास्ता रोकते हुए कहा, भैया आप चेतन को गलत समझ रहे हैं, क्योंकि आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे हैं। आप समझने को ही तैयार नहीं है कि वो जो कह रहा है वो ऐसे ही नहीं कह रहा है, उसने मुझे सारा सच बताया हुआ है। आप ही कहते थे ना कि चेतन हमारे गांव में आया है ये भगवान की इच्छा है, आप बस एक बार शांति से मेरी बात सुन लीजिए। वीर सिंह माही की बात पर सोचने लगा तो माही ने उसे किताबों वाले कमरे में चलने के लिए कहा। किताबों वाले कमरे में पहुंचकर माही ने चित्रलेखा किताब को निकाला और वीर सिंह के सामने रखते हुए कहा, भैया इसे खोलिए। वीर सिंह ने सवालिया नजरों से माही को देखा और फिर किताब को खोल लिया। किताब को खोलते ही वीर सिंह की आंखें आश्चर्य से फैल गई, वो हैरत के साथ धीरे धीरे एक एक पन्ने को पलटने लगा। वो कुछ देर किताब को पढ़ता और फिर माही की तरफ देखता। कुछ देर के बाद किताब को हाथ में ले वीर सिंह खड़ा हो गया और माही से बोला, माही ये सब कब लिख दिया तुमने? माही ने कहा, मैंने नहीं लिखा है कुछ भी, ये सब खुद ब खुद इस किताब में लिखता चला गया, और ये सब वो घटनाएं हैं जो चित्रलेखा के जीवन से जुड़ी हुई हैं। और सिर्फ चित्रलेखा ही नहीं बल्कि हमारे परदादा और परदादी अरुणोदय सिंह और लावण्या सिंह से भी जुड़ी हुई है। ये सब कुछ यहाँ ऐसे ही नहीं लिखा है भैया, ये किसी जादुई किताब की तरह है। मैं आपको बताती हूँ कि ये किताब आकृति और चित्रों से शब्दों में कैसे बदल गई। इतना कहकर माही ने चेतन कालदूत और चेतन के भूतकाल की सारी बातें जैसे जैसे वीर सिंह को बताई, वैसे वैसे वीर सिंह की आंखें हैरत से फैलती चली गई। उसके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। सारी बातें सुनकर वीर सिंह वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और खुद से बोला, हमें माफ करना चेतन। जहां एक तरफ वीर सिंह को माही ने सारी सच्चाई बता दी थी, वहीं चेतन एक घर के बाहर सोया हुआ था। सूरज की किरणें जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। कुछ ही पल बाद वो उठा और बोला, मुझे पता है कि मुझे कहां से शुरू करना है। चेतन उठा और वहां से निकल गया। कुछ ही देर बाद वो फूलपुर गांव से थोड़ी दूर पर स्थित उसी मंदिर में पहुंचा जहां वीर सिंह उसे उसी बाबा के पास लेकर गए थे। वही बाबा जिसे चेतन ने अपने भूतकाल में अरुणोदय सिंह के साथ देखा था। चेतन वहां पहुंचा तो मंदिर के बाहर सन्नाटा था, वहां कोई भी नहीं था। वो चारों तरफ देखते हुए बाबा जी को ढूंढ रहा था। उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो बैठा हुआ किसी बर्तन को साफ कर रहा था। चेतन वहां गया और उस आदमी से बोला, सुनिए यहाँ एक बाबा जी रहते हैं, वो कहाँ है? उस आदमी ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस बर्तनों को साफ कर रहा था। बर्तनों को साफ करने के बाद वो आदमी उठा और चेतन की ओर मुड़ा तो उसका चेहरा देख चेतन चौंक गया। क्या पता चलने वाला है चेतन को अब, क्या होने वाला है चेतन की जिंदगी में आगे,
क्या खूनी वधु का हो जाएगा अंत या सामने आएगी एक नई कहानी, जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधु सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। उस आदमी को देखते ही चेतन ने कहा, पापा आप, लेकिन आप कैसे ऐसे, आप तो बूढ़े थे लेकिन अभी तो आप अपनी उम्र से 40 साल कम लग रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है। वो आदमी जिसे वो बाबा बता रहा था, वो चेतन को घूर कर देखते हैं और फिर आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। चेतन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो उनके पास गया और फिर से पूछा, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आप बूढ़े थे लगभग 80 साल के, फिर आप अभी 40 के कैसे लग सकते हैं, क्या चक्कर है ये। इतना तो पक्का है कि आप किसी तिलस्म को तो जानते हैं, नहीं तो 150 सालों से कोई इंसान जिंदा कैसे रह सकता है। चेतन की बात पर बाबा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। चेतन को अब झुंझलाहट हो रही थी, उसने फिर से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी बाबा की गंभीर आवाज आई, जहां से शुरू किया अगर वहीं पहुंचे तो उत्तर भी वहीं मिलेगा। काल चक्र का हिसाब बस उसके पास है जो स्वयं काल है। मेरे बारे में जानने से अच्छा है उसके बारे में जान जिसे जानने तू आया है, चेतन ने असमंजस के साथ कहा। लेकिन बाबा मैं जानता हूं कि आपने उस श्रापित आत्मा को, चेतन की बात को बीच में ही काटते हुए बाबा जोर से चिल्लाए, चला जा यहां से, तू वो कर जो करने आया है, जो तुझे करना है, चला जा यहां से। बाबा के इस तरह से नाराज होने पर चेतन घबरा गया और उसने अपने कदम पीछे ले लिए। बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि ध्यान में चले गए हो। चेतन ने खुद से कहा, कैसे क्या करूं मैं, ये बाबा तो सच में रहस्यमय है। आखिर कैसे एक इंसान की उम्र कम हो सकती है, कैसे कोई एक ही समय में कभी बूढ़ा और कभी अपने से आधी उम्र का दिख सकता है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पहले कालदूत और अब ये बाबा, कहीं कालदूत की तरह ये बाबा भी तो सुपरनैचुरल टाइप नहीं है। अब क्या करूं जिससे चित्रलेखा को मुक्ति दिलाने का रास्ता मिल सके, आखिर वो कब तक ऐसे भटकेगी। चेतन सोचता हुआ वहां से निकल ही रहा था कि तभी अचानक आसमान काले बादलों से घिर गया और देखते ही देखते हवाएं तेज हो गई। चेतन के चारों तरफ तूफान बढ़ने लग गया था। अचानक बदले मौसम को चेतन समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उसी वक्त एक साथ सैकड़ों की संख्या में वहां चमगादड़ उड़ने लगे और उन चमगादड़ों ने चेतन को चारों ओर से घेर लिया। उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया, लेकिन कुछ ही पल बाद उस सारे चमगादड़ खुद ब खुद गायब हो गए तो चेतन की सांस में सांस आई। उसने चारों तरफ देखते हुए परेशानी से कहा, ये कैसे हुआ, दिन के वक्त चमगादड़ कैसे आ सकते हैं, वो भी इतने सारे और फिर पल भर में गायब भी हो गए, लेकिन दिन के उजाले में चमगादड़ आए कहां से, ये बाबा और ये जगत दोनों ही रहस्यमयी है, आखिर कैसे पॉसिबल है ये सब। चेतन परेशानी से सोचते हुए बाबा को देखने के लिए पीछे की ओर मुड़ा, लेकिन बाबा वहां कहीं भी नहीं थे। उसने हैरानी से सब जगह देखा लेकिन वो कहीं भी नहीं थे। चेतन अब और भी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसने खुद से कहा, बाबा का कुछ तो राज है जो मुझे चित्रलेखा की तरह ही समझ में नहीं आ रहा, वो कुछ तो बड़ा छपा रहे हैं मुझसे या फिर शायद सबसे ही, और ये इतने सारे चमगादड़ों के एक साथ दिन के वक्त अचानक ही आकर गायब होने के पीछे की वजह भी हो ना हो, ये बाबा जी ही है, मुझे इन सारे सवालों के जवाबों को ढूंढना ही होगा। चेतन के पास कई सवाल थे और हर सवाल खून वधू से जुड़ा हुआ था, जिसके जवाब के लिए उसने अपने पास तक का सफर तय कर लिया, लेकिन अब भी बहुत कुछ था जो उलझा हुआ था। चेतन वापस फूलपुर गांव के लिए निकल चुका था। ठंडी हवाओं के साथ बाइक पर सवार चेतन का मन पूरी तरह से अशांत था। उसे फूलपुर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। चेतन अभी गांव से कुछ ही दूरी पर था कि तभी उसे कुछ एहसास हुआ, तो उसने बाइक को रोक लिया और अपने आसपास देखने लगा। उसने धीरे से कहा, क्या ये रात रानी की खुशबू है। चेतन अभी ये सोच ही रहा था कि उसे अपने कानों में पायलों की आवाज सुनाई देने लगी। पायलों की आवाज धीरे धीरे चेतन के करीब आ रही थी। मौसम एक बार फिर अपने रंग बदलने लगा और हवाएं तेज हो गई। चेतन ने बाइक को स्टैंड पर लगाया और बाइक से उतरकर सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया।
उसने जोर से कहा। मैं जानता हूँ तुम यहाँ हो चित्रलेखा, सामने आओ। तुम मुझसे ही मिलने आई हो ना, तो फिर ऐसे छिपने का क्या मतलब है? मुझे डर नहीं लगता तुमसे, ये जानती हो तुम। चेतन ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, उसे ठीक अपने बगल में किसी के होने का एहसास हुआ तो एक पल के लिए उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक ठंडी हवा उसे छू कर गुजरी और फिर सब शांत हो गया। अगले ही पल चेतन के सामने खूनी वधु खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में उभरे सोनेपन को चेतन साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था। चेतन ने फिर से कहा, मैं नहीं डरता तुमसे, अब बताओ कि ऐसा क्या है जो अब भी मुझे नहीं मालूम है। चेतन के सवाल पर खूनी वधु के चेहरे के भाव बदल गए और उसकी आंखों में गहरी उदासी फैल गई। उसने धीरे से कहा, तुम इतना तो जान ही चुके हो ना कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। तुम नहीं डरते मुझसे और कहीं ना कहीं मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। खूनी वधु ने इतना कहा और फिर खामोश हो गई तो चेतन ने पूछा, ऐसा क्यों कर रही हो तुम, क्या मतलब है इसका? खूनी वधु चेतन से बस कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। तेज हवाओं के कारण उसके बाल और उसका दुपट्टा हवा में उड़ा ही जा रहा था। वो दो कदम मुड़ी तो उसकी पायल बज उठी और फिर उसने धीरे से कहा, इस क्यों का जवाब मत पूछो, क्योंकि जो मैं कहूंगी वो सुनकर किसी को भरोसा नहीं होगा कि एक खूनी वधु एक भूतनी का जवाब हो सकता है। उसकी बात पर चेतन ने फौरन ही कहा, जो लम्हा मैं अपने पास्ट में जीकर आया हूँ उसके बाद सच मानो तो मैं खुद को चेतन नहीं हर्षवर्धन ही समझने लगा हूँ, और तुम्हें सिर्फ चित्रलेखा, ना कि कोई भूतनी। बस एक पल के लिए ये मान लो कि मैं चेतन नहीं हर्षवर्धन हूँ और तुम खूनी वधु नहीं चित्रलेखा हो। बताओ मुझे, क्यों नहीं चाहती हो कि मुझे कुछ हो? चेतन के इन सवालों पर खूनी वधु उसकी ओर पलटी और उसके आंखों में देखते हुए एक दर्द भरी आवाज में बोली, तुमने ही कहा ना कि तुम हर्षवर्धन हो, तो भला चित्रलेखा ये कैसे चाह सकती है कि उसके हर्षवर्धन को कुछ भी हो? चेतन खूनी वधु की ओर बढ़ा और गंभीरता से बोला, मैं ये सब नहीं जानता। मैं एक इंसान हूँ और वो भी बेहद जज्बाती। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए, और यकीन मानो मेरा, सारी सच्चाई जानने के बाद मैं तुम्हारे ही साथ खड़ा हूँ। खूनी वधु ने चेतन की आंखों में देखते हुए चिंता भरे स्वर में कहा, इसी बात का तो भय है मुझे हर्षवर्धन, कि तुम मेरे साथ खड़े हो, और तुम्हारा मेरे साथ खड़े होने का मतलब है कि तुम अपने जीवन को चुनौती दे रहे हो। उसकी इस बात पर चेतन ने सोचते हुए कहा, मुझे मालूम है कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो फिर चुनौती किस बात की चित्रलेखा? तुम्हें मुझे मारना होता तो कब का मार चुकी होती। तेज हवाओं के बीच अब बिजली भी कड़कने लगी थी। खूनी वधु की आंखें पल भर के लिए चमकी तो चेतन के कदम पीछे हट गए, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा और उसकी ओर देखता रहा। तभी उसने धीरे से कहा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो हर्षवर्धन, जो दिख रहा है वैसा नहीं है, जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। चेतन ने कहा, तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा, क्या मतलब है कि जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है? खूनी वधु ने जवाब दिया, क्या तुम चित्रलेखा किताब में लिखी बात को भूल गए, जिसमें लिखा था कि जो छिपा है वही सामने है? खूनी वधु के मुंह से चित्रलेखा किताब का नाम सुनकर चेतन चौंक गया और उसने बहुत ही उत्सुकता के साथ सवाल किया, हाँ बताओ मुझे, क्या मतलब है इसका? मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर किताब में लिखे इन शब्दों का मतलब क्या है। खूनी वधु ने कहा, वही तो समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि जो दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है, मैं केवल चित्रलेखा नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर चेतन असमंजस की स्थिति में आ गया और उसने उलझन भरी आवाज में पूछा, तुम जो कहना चाह रही हो उसे मैं समझ भी पा रहा हूँ और नहीं भी, मुझे साफ साफ बताओ कि कहना क्या चाहती हो? चेतन परेशानी के साथ उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी खूनी वधु के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और अगले ही पल वो गुस्से से चीखने लगी, तो उसकी चीख से उस सन्नाटे में दहशत फैल गई। हवाएं और भी तेज हो गई और आसमान से सारे तारे गायब हो गए। देखते ही देखते खूनी वधु के चेहरे पर दुख और उदासी की जगह गुस्से ने ले ली और उसकी आंखें चमकने लगी। उसका ये रूप देख चेतन पीछे की ओर हटने लगा और खूनी वधु उसकी ओर बढ़ते हुए गुस्से से बोली,
तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे, मरेगा तू, जरूर मरेगा। चेतन खूनी वधु के इस अचानक ही बदले रूप को देखकर घबरा गया, लेकिन उसने खुद के डर पर काबू पाते हुए कहा, चित्रलेखा क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो? चेतन ने जैसे ही ये कहा, खूनी वधु एकदम से शांत हो गई। उसकी आंखों में फिर से उदासी फैल गई और उसके चेहरे के भाव सामान्य हो गए। तभी उसने दुख भरी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना तुम चले जाओ, जैसा तुम समझ रहे हो ये उतनी सामान्य बात नहीं है, चले जाओ हर्षवर्धन, यहाँ से चले जाओ। चेतन कुछ कहने ही वाला था कि अचानक ही खूनी वधु के हाव भाव फिर से बदल गए और एक बार फिर उसके चेहरे पर गुस्से का भाव फैल गया। चेतन मुंह खोले खूनी वधु के इस बदलते रूप को समझने की कोशिश कर रहा था कि अगले ही पल वो फिर से सामान्य हो गई और बहुत ही दुख भरी आवाज में बोली, मेरे लिए मत रुको हर्षवर्धन, ये राज सिर्फ चित्रलेखा और खूनी वधु तक ही सीमित नहीं है, इस राज की कई परतें हैं और जितना ही तुम इन परतों को कुरेदोगे उतना ही इसमें उलझते चले जाओगे और तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, मुझसे दूर रहो हर्षवर्धन, दूर रहो। चेतन उसकी कही बातों का मतलब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी खूनी वधु एक बार फिर से गुस्से में आ गई। उसके आसपास तूफान का बवंडर उठने लगा और उसकी आंखें खून सी लाल हो गई। उसके शरीर से एक तरह की रोशनी निकलने लगी और इससे पहले कि चेतन कुछ कह या कर पाता, वो पल भर में ही उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई और फिर एकदम से सब शांत हो गया। तेज हवाएं थम गई और आसमान साफ हो गया। चेतन वही सदमे की स्थिति में खड़ा सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, क्या कहकर गई है ये चित्रलेखा, ऐसा क्या है जो सिर्फ चित्रलेखा और खूनी वधु तक सीमित नहीं है, और ऐसा कौन सा राज छिपा है इन सब के पीछे, किन परतों की बात कर रही थी वो, क्या है जिसमें मेरी जिंदगी उलझ जाएगी, ऐसा क्या है जिससे मेरी जिंदगी को बचाना चाहती है वो, क्या है वो राज और इससे मेरी जान को क्यों खतरा है। चित्रलेखा का ये बदलता रूप जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई और उसके ऊपर हावी हो रहा हो और वो खुद को कंट्रोल कर रही हो, कुछ तो बेहद अजीब था, कुछ तो ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाया। वो लगातार मुझे खुद से दूर जाने को कह रही है, लेकिन क्यों, क्यों एक भूतनी को मेरी जान की फिक्र है जबकि वो खुद मुझे नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। चेतन ने अपना सिर पकड़ लिया और अपनी बाइक का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने खूनी वधु का चेहरा घूम रहा था और वो उसकी आंखों में उभरे दर्द को समझने की कोशिश कर रहा था। कितनी ही देर तक चेतन वहीं खड़ा रहा, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी अभी हुआ क्या है। उसने कैसे भी करके अपनी बाइक को स्टार्ट किया और फुल स्पीड के साथ फूलपुर गांव पहुंचा और सीधा वीर सिंह के घर के बाहर आकर रुका। वो बाइक से उतरा और दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजे पर दस्तक देने से पहले उसके हाथ रुक गए और कुछ सोचकर उसने अपने कदम वापस मोड़ लिए। अभी वो वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी उसका सिर घूमा और अचानक ही उसकी आंखें बंद होने लगी और वो वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद चेतन को होश आया तो उसने अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलने की कोशिश की तो उसे अपने सामने माही का चेहरा नजर आया तो वो घबरा कर एकदम से उठ बैठा। माही ने उसे धीरे से उठने का इशारा किया तो चेतन की नजर सामने खड़े वीर सिंह पर चली गई। उसने अपने आसपास देखा तो उसे समझ आया कि वो इस वक्त वीर सिंह के घर में मौजूद है और वो भी वीर सिंह के कमरे में। चेतन ने वीर सिंह से नजरें चुराते हुए धीरे से कहा, वो मैं पता नहीं कैसे बेहोश हो गया, मुझे खुद कुछ पता नहीं चला, आई एम सॉरी एंड थैंक यू, मैं अभी ठीक हूँ तो अब मैं जा रहा हूँ। चेतन बिस्तर पर से उठा और जाने के लिए जैसे ही मुड़ा उसका सिर फिर से चकराया और वो वहीं बिस्तर पर गिर पड़ा। वीर सिंह और माही ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक नज़र सामने पड़े बेहोश चेतन की ओर देखा। इस राज से आगाह कर रही है खूनी वधु चेतन को, क्या वाकई एक भूतनी मदद कर रही है चेतन की, ऐसा कौन सा सच है जिसमें उलझने वाली है चेतन की जिंदगी और कौन है जिससे है खतरा चेतन की जिंदगी को, जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधु सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।
चेतन के इस तरह से बेहोश हो जाने पर वीर सिंह और माही परेशान थे। कुछ देर बाद वो होश में आया और बस उठने ही वाला था कि वीर सिंह ने थोड़े गुस्से से कहा, लेटे रहो चुपचाप से, कितने दिनों से खाना पीना नहीं खाए हो, हालत देख रहे हो अपनी। वीर सिंह ने माही को कहा कि वो चेतन को सबसे पहले खाना खिलाए। माही चेतन के लिए खाना लाने गई तो चेतन ने धीरे से कहा, वीर सिंह मुझे माफ करना, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्या सोच कर आ गया और उसके बाद मुझे चक्कर आ गया। तुम परेशान मत हो, मैं कहीं बाहर से खा लूंगा। चेतन जाने के लिए उठा ही था कि वीर सिंह ने कहा, रुको चेतन, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है और माही से हमें सब पता चल गया है, तो तुम पर भरोसा है हमें, लेकिन फिर भी तुमने जिस तरह से खूनी वधू को तांत्रिक बाबा से बचा लिया था तो उससे हमें तकलीफ पहुंची थी। चेतन ने कहा, वीर सिंह खूनी वधू को मोक्ष चाहिए, लेकिन वो तांत्रिक उसे अपने वश में करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे बचाया। वीर सिंह ने कहा, ठीक है ये सब छोड़ो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो अपने कमरे में जाकर आराम करो, हमें मुखिया जी से मिलने जाना है। वीर सिंह ये कहकर जाने के लिए मुड़ा लेकिन फिर रुक गया और पलट कर पूछा, अच्छा एक बात बताओ, ये मोटरसाइकिल किसकी चुरा ली तुमने? वीर सिंह की बात पर चेतन झेंप गया और जल्दी से बोला, मैंने चुराई नहीं है वीर सिंह, मुझे कहीं जाना था तो मैंने किराने दुकान वाले सुधीर भैया से उनकी बाइक थोड़ी देर के लिए लिया था। अब तुम्हारी खटारा साइकिल तो मांग नहीं सकता था ना? चेतन ने कहा तो वीर सिंह ने उसे घूर कर देखा और फिर वहां से वो चला गया। चेतन भी उठा और छत पर के अपने उसी कमरे में जाकर लेट गया। अभी उसे लेटे हुए थोड़ा टाइम ही हुआ था कि तभी माँ ही वहां आई और धीरे से बोली, चेतन खाना खा लो, तुम्हारी फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं और साथ में गाजर का हलवा है। आलू के पराठे सुनते ही चेतन फौरन उठ बैठा और खाने पर टूट पड़ा। उसे ऐसे खाता देख माही को उस पर और भी प्यार आ रहा था और वो उसे प्यार से निहारे जा रही थी। चेतन ने खाना खत्म किया तो उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। उसने माही की तरफ देखा और बोला, थैंक यू सो मच माही, इतना टेस्टी खाना मैंने कितने दिनों बाद खाया है, बता नहीं सकता कि अब तक मैं कैसे रहा हूँ और कैसे मैंने अपना पेट भरा है, आज कितने दिनों बाद मुझे इंसानों जैसा फील हो रहा है। चेतन की इस बात पर माही खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मैं बहुत खुश हूँ चेतन कि वीर भैया ने तुम्हें माफ कर दिया। चेतन ने कहा, हाँ माही, लेकिन मुझे तुम्हें और वीर सिंह को कुछ और भी बताना है। तुम्हें मैंने अपने भूतकाल में जाने से पहले जो कुछ भी बताया था वो आधी सच्चाई थी, लेकिन कुछ और भी है जो बहुत ही अजीब है और तुमसे और वीर सिंह से जुड़ा हुआ है। चेतन कुछ पल के लिए रुका और फिर बोला, माही वो मैंने अपने भूतकाल में तुम्हारे परदादा अरुणोदय सिंह और उनकी पत्नी यानी कि तुम्हारी परदादी लावण्या को देखा, लेकिन तुम्हारी परदादी को जिस रूप में मैंने देखा उस पर शायद तुम यकीन ना कर पाओ। माही ने कहा, मुझे सब पता है चेतन, और मुझे क्या, वीर भैया को भी सब पता है। चेतन को माही की बात समझ नहीं आई तो उसने कहा, हाँ चेतन, उस चित्रलेखा किताब से हमें सारी सच्चाई पता चल चुकी है। जो कुछ भी तुमने वहां देखा उसे हमने यहाँ उस किताब में पढ़ लिया। हमारे परदादा और परदादी के बारे में हमें अब सब कुछ पता है और वो भी तुम्हारे कारण। माही की बात सुन चेतन ने चैन की सांस ली तो माही ने परेशानी से कहा, पता है चेतन, जब तुम नहीं थे तो मैं बहुत डर गई थी कि तुम अपने भूतकाल से वापस आ भी पाओगे या नहीं, अब फिर कभी छोड़कर नहीं जाना मुझे। ये कहते हुए अचानक ही माही की आंखों से आंसू आ गए तो चेतन ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं जाऊंगा और ये वादा है मेरा, पर कभी अगर जाना भी पड़ गया तो भरोसा रखना, लौट कर जरूर आऊंगा। चेतन ने प्यार से माही के माथे को चूम लिया और फिर वो जैसे ही उसके होंठों तक आया, माही ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और मुस्कुराती हुई पीछे हट गई। उसने शर्माते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो, वीर भैया आ जाएंगे ना तो फिर से पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। चेतन ने शरारत से माही का दुपट्टा पकड़ते हुए कहा, तो क्या मैं डरता हूँ तुम्हारे भाई से, आ जाने दो। चेतन की बात पर माही ने उसे झूठे गुस्से के साथ देखा तो उसने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, मैंने तुमसे प्यार किया है तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, इतना यकीन तो वीर सिंह को भी मुझ पर है, बस नहीं है भरोसा तो वो तुम्हें ही नहीं है। चेतन ने जैसे ही झूठ मूठ का दुखी होने का दिखावा किया, माही ने झट से उसके गालों पर किस कर लिया और शर्माते हुए वहां से भाग गई। तो चेतन ने अपने गालों पर हाथ रख लिया
और मुस्कुराने लगा। माही से अपनी इस मुलाकात से चेतन का मन बहुत शांत हो गया था और वो बाकी की सारी बातों को कुछ देर के लिए भूल गया। वो बिस्तर पर गया तो उसे फौरन ही नींद आ गई। आधी रात के वक्त चेतन नींद में बेचैन होने लगा और अचानक ही उसकी आंखें खुल गई। वो हड़बड़ाहट के साथ उठ बैठा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। उसने बगल में रखे पानी के ग्लास को उठाया और एक ही सांस में पी गया। अभी उसने अपनी उखड़ती सांसों पर काबू पाया ही था कि तभी उसे अपने फोन से एक अजीब तरह की घड़घड़ाहट की आवाज आई। तो चेतन ने चौंकते हुए फोन को देखा। फोन बिल्कुल नॉर्मल था। उसने फोन को चेक किया और वापस से बगल के टेबल पर रख दिया और बिस्तर पर फिर से लेट गया। अभी उसने आंखें बंद की ही थी कि फिर से उसे वही घड़घड़ाहट की आवाज आई। तो वो उठ बैठा और फोन को उठाकर देखने लगा। फोन को देखते हुए उसने कहा, ये फोन ऐसे क्यों आवाज कर रहा है? ना तो ये साइलेंट पर है और ना ही वाइब्रेशन पर, और ना ही कोई मैसेज या फोन आया, तो ये ऐसे आवाज क्यों कर रहा है? या फिर मेरे ही कान बज रहे हैं? उसने फोन को स्विच ऑफ किया और बगल में रख सोने की कोशिश करने लगा। उसने करवट बदली ही थी कि तभी एक बार फिर से उसके फोन में घड़घड़ाहट होने लगी। तो चेतन अब परेशानी से उठ बैठा। उसने फोन को हाथ में लिया तो अचानक ही फोन की स्क्रीन रेड हो गई। ये देख चेतन ने कहा, ये क्या हो रहा है मेरे फोन को? और मैंने तो इसे स्विच ऑफ किया था, फिर ये खुद से ऑन कैसे हुआ? ऐसे क्यों कलर हो रहा है इसका? कहीं हैंग तो नहीं कर रहा, या फिर कोई वायरस तो नहीं आ गया इसमें? वो फोन को देखकर समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी फोन में से अजीब सी आवाजें आने लगी और फिर स्क्रीन का कलर जो रेड हुआ था वो बार बार ब्लिंक करने लगा। तो चेतन फोन को अपने हाथ पर रखकर ठोकने लगा, लेकिन फोन से लगातार आवाजें आ रही थी और उसका रेड हुआ स्क्रीन बार बार ब्लिंक कर रहा था। चेतन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके फोन के साथ हो क्या रहा है। ये बहुत अजीब था कि स्विच ऑफ होने के बाद भी फोन के साथ कुछ तो हो रहा था। चेतन बार बार फोन को उलट पुलट कर देख रहा था कि अचानक ही उसके फोन से किसी लड़की की आवाज आई, चेतन। ये सुनते ही चेतन के हाथ से उसका फोन छूट कर गिर गया। तभी आवाज एक बार फिर से सुनाई दी, चेतन मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन पा रहे हो। इस बार चेतन के पसीने छूट गए। फोन का स्क्रीन अब भी लाल ही था और आवाज फोन से ही आ रही थी। चेतन ने घबराते हुए पूछा, कौन बोल रहा है? फोन के अंदर से किसी लड़की के हंसने की आवाज आई और उसने धीरे से बोला, तुम मुझे कुछ भी बुला सकते हो, मुझे लावण्या के नाम से बुला लो, या फिर चित्रलेखा, या फिर मधुमिता। चेतन ने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा, कौन मधुमिता, कौन हो तुम? फोन से वही आवाज आई, लावण्या कौन है वो तुम जानते हो, चित्रलेखा कौन है वो भी तुम जानते हो, लेकिन उनके भीतर कौन है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। चेतन ने फोन को घूरते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, और तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? फोन के अंदर से उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है? नहीं, ये सब तो अब जाकर शुरू हुआ है और तुम्हारी गलती के कारण ही मुझे तुम तक पहुंचना पड़ा है। इतना कहकर फोन से आवाज आनी बंद हो गई। चेतन फोन से कुछ दूरी पर बैठा उसे घूर घूर कर देखे जा रहा था, क्योंकि उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब जो हो रहा है वो हकीकत है या फिर कोई सपना देख रहा है। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या गलती की मैंने जो तुम्हें मुझ तक आना पड़ा? फोन से आवाज आई, मैं भूतकाल से हूँ और तुमने अपने भूतकाल में एक गलती की है, और उसी गलती के कारण अब बहुत कुछ बदलने वाला है। तुमने इन सब के बीच आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है चेतन। चेतन ने कुछ कहना ही चाहा था कि अचानक ही फोन से घर्र की एक तेज आवाज आई। तो चेतन ने अपने हाथों से अपने कानों को ढक लिया। अगले ही पल फोन की स्क्रीन का जो कलर रेड था वो खत्म हो गया और फोन वापस से नॉर्मल हो गया। चेतन ने घबराते हुए फोन को देखा और फिर कुछ सोचकर फोन को उठा लिया। उसने फोन को ऑन किया तो फोन ऑन हो गया और बिल्कुल ही नॉर्मल काम करने लगा। तो चेतन अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया।
फोन को हाथ में लेकर वो समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो क्या था। वो बेचैनी से टहलने लगा और सोचने लगा कि ये कैसे पॉसिबल है, कोई उसे भूतकाल से उसके फोन पर कैसे कॉल कर सकता है। ये सब तो बहुत ही अजीब है, जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा है। पहले वो बाबा जिनकी उम्र आधी हो गई, और फिर चित्रलेखा का मुझसे मिलना और मुझे किसी राज के बारे में बताना, और अभी अजीब सा कॉल। क्या है वो जो मुझसे इतना गहरा जुड़ा हुआ है? मुझे ये सब पता करना ही होगा। कुछ सोचकर चेतन ने अपने जूते पहने और कमरे के बाहर निकल गया। वो वीर सिंह के घर से बाहर आया और सोचने लगा, काफी रात हो चुकी है, क्या मैं वहां जाऊं भी या नहीं, क्या करूं। चेतन अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां एक ऑटो रिक्शा आकर रुकी। तो चेतन को बड़ी हैरानी हुई, उसने ऑटो को देखा और फिर कहा, इतनी रात को यह ऑटो कहां से आ रही है? ऑटो वाले ने कहा, रात और वक्त से क्या मतलब है, आपको तो काल भैरव मंदिर ही जाना है ना। ऑटो वाले के मुंह से काल भैरव मंदिर का नाम सुनकर चेतन ने कहा, हाँ लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे काल भैरव मंदिर जाना है? ऑटो वाले ने गंभीर होकर कहा, अब जाना है तो चुपचाप से बैठ जाओ, मुझे कैसे मालूम ये मत सोचो, बैठो अब जल्दी से। चेतन ने आगे कुछ भी नहीं कहा और ऑटो में बैठ गया। जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसके बाद ऐसी चीजें उसे कम शौक देने लगी थी। वो अपने ही सोच में था कि तभी ऑटो वाले ने कहा, तुम उस भूतकाल से आई कॉल के बारे में सोच रहे हो ना? ऑटो वाले की बात पर चेतन एकदम से अपनी सोच से बाहर आया और चौंकते हुए पूछा, तुम्हें कैसे मालूम ये, तुम हो कौन? रोको ऑटो और बताओ मुझे कि कौन हो तुम। ऑटो वाले ने ऑटो को रोक लिया तो चेतन झटके से नीचे उतरा और ड्राइवर के सामने आकर खड़ा हो गया। ड्राइवर को देखते ही चेतन ने कहा, कालदूत, तुम क्या कर रहे हो यहाँ इस ऑटो रिक्शा में? ड्राइवर की जगह पर बैठे कालदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी अपनी बोरियत दूर करने के लिए ये सब कर लेता हूँ मैं। चेतन ने झल्लाते हुए कहा, अब मजाक मत करो और बताओ ये सब क्या है। कालदूत ने शांति से कहा, तुम मुझसे ही मिलने आ रहे थे ना मंदिर, तो मैं खुद तुमसे मिलने चला आया। चेतन कुछ कहने वाला था कि कालदूत ने कहा, मुझे पता है कि तुमसे किसी ने जुड़ने की कोशिश की है, कोई है जो कालचक्र के किसी हिस्से से तुमसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, और वाकई तुमसे कुछ तो गलती हुई है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण ये सब हो रहा है। वो जो कोई भी है उसके बारे में मुझे भी पता नहीं चल पा रहा, लेकिन वो जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। चेतन ने कहा, लेकिन वो जो कोई भी थी वो कोई बुरी शक्ति ही थी, लेकिन कोई भी भूत प्रेत मुझे फोन पर कॉल कैसे कर सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अब भूत प्रेत भी फोन करके बात करे। कालदूत ने कहा, अगर किसी काली शक्ति को तुमसे किसी तरह से जुड़ना हो और अपना संदेश देना हो तो किसी भी जरिए का प्रयोग कर सकते हैं, और वही हुआ है तुम्हारे साथ भी। कालदूत ने आगे कहा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूं कि इन सब के पीछे आखिर राज क्या है, अब जाओ। चेतन ने कालदूत को एक आस भरी नजरों से देखा और फिर पलटकर वापस चला गया। उसने कहा, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कोई किसी को भूतकाल से कॉल करे, यानी कि टाइम में पीछे से कोई किसी को कैसे कॉल कर सकता है। अभी वो वीर सिंह के घर तक पहुंचा ही था कि तभी उसके हाथ में पकड़े फोन से फिर से घर्र की एक तेज आवाज आई और फोन की स्क्रीन रेड होकर तेजी से ब्लिंक करने लगी, और तभी फोन से वही आवाज आई, तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा कि मैं भूतकाल से हूँ, और तुमने जो गलती की है उसका भुगतान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्या है इस अजीब से कॉल का राज, और कौन है इन सबके पीछे? क्या है राज जो छिपा हुआ है? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। फोन से आई इस आवाज को सुन चेतन एक बार फिर चौंक गया था, लेकिन वो कुछ कर पाता? उससे पहले ही फोन पहले की तरह ही नॉर्मल हो गया। इस वक्त उसके भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो वीर सिंह के घर में घुसने ही वाला था कि उसके ठीक बगल से ठंडी हवा का एक झोंका गुजरा, तो उसने फौरन ही पीछे पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। और तभी उसे खूनी वधु की आवाज सुनाई दी, मैंने कहा था ना कि मुझसे दूर रहो। चेतन ने परेशानी से चारों तरफ देखा,
और उस सुनसान से सड़क पर पुकारने लगा, चित्रलेखा, चित्रलेखा, क्या तुम हो यहाँ? क्या है इस भूतकाल के कॉल का राज? कौन है जो मुझसे कनेक्ट करना चाह रहा है? बताओ मुझे, सामने आओ। चेतन पागलों की तरह सड़क पर चारों ओर भाग रहा था, लेकिन उसे खूनी वधू कहीं भी नहीं दिखाई दी। काफी देर तक वो ऐसे ही भटकता रहा और फिर थक कर घर के भीतर चला आया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात यूं ही गुजर गई। सुबह होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे, तो वो वीर सिंह के किताबों वाले कमरे की तरफ चला गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। चेतन ने हैरानी से कहा, ये किताबों वाले कमरे में कैसी आवाज आ रही है? उसने कमरे की तरफ देखा तो कमरे के अधखुले दरवाजे के फांक से एक चमकदार तेज रोशनी आती दिखाई पड़ी। उसने दरवाजे को अंदर की ओर धकेला और भीतर आ गया। कमरे में खिड़कियों में लगे पर्दे हवा से उड़ रहे थे। चेतन की नजर एक ओर रखे टेबल पर गई, जिस पर कोई किताब रखी थी और उसी किताब से ये तेज रोशनी आ रही थी। किताब के पन्ने धड़ाधड़ खुद ब खुद पलटे जा रहे थे। चेतन जैसे ही उस किताब के पास गया और उसने टेबल पर अपना हाथ रखा, एक पल में रोशनी गायब हो गई, तेज हवाएं चलना बंद हो गई और एक झटके में वहां का वातावरण सामान्य हो गया। चेतन ने किताब को देखा तो बोला, ये तो चित्रलेखा किताब है, लेकिन इससे ऐसी रोशनी कैसे निकल रही थी? वो उसे उठाने वाला था कि अचानक ही किताब के उस कोरे पन्ने पर एक आकृति खुद से बनने लगी, तो वो चौंक गया। वो हैरानी से किताब के उस पन्ने पर अपने आप से बनते उस आकृति को देख रहा था। पन्ने को देख ऐसा लग रहा था मानो कोई उस पर कलम चला रहा हो। जब वो आकृति बनकर पूरी हुई तो सामने जो दिखा उसे देख चेतन ने कहा, ये क्या है? ये तो किसी बॉक्स की तस्वीर लग रही है, और ये तस्वीर ठीक वैसे ही खुद से बन गई है जैसे भूतकाल में मेरी अब तक देखी गई सारी घटनाएं खुद से इस किताब में छप गई थी। ओह माय गॉड, ये किताब तो वाकई मैजिकल है। क्या ये किताब मुझसे कुछ कहना चाह रही है? उसने उस बॉक्स की तस्वीर को ध्यान से देखा और फिर कुछ याद करते हुए कहा, ये तो उसी बॉक्स की तस्वीर है जिसे मैंने गर्भगृह के अंदर देखा था, जिसे मेरे भूतकाल में उस बाबा ने अरुणोदय सिंह को दिया था और अरुणोदय सिंह ने इसे गर्भगृह में रखा था। पर इसकी तस्वीर यहाँ इस किताब के पन्ने पर क्यों बन गई है? चेतन अभी खुद से ये सब सवाल कर ही रहा था, इतने में उसकी नजर दोबारा पन्ने पर पड़ी, जहां इस वक्त बॉक्स के ठीक नीचे कुछ लिखा था। चेतन ने वहां लिखे शब्दों को पढ़ा, जो छिपा है वही सामने है, इस डिब्बे में ही छिपी सारी कहानी है और इसकी चाबी रात की रानी है। चेतन ने इस लाइन को दोबारा पढ़ते हुए कहा, इस लाइन का क्या मतलब हो सकता है? उसने कुछ सोचा और फिर कमरे से निकल गया। वो वीर सिंह के पास गया। वीर सिंह अभी सोकर उठा था, लेकिन चेतन को इस तरह से परेशान देख उसने कहा, क्या हो गया तुम्हें? ठीक तो हो? भूत तो तुम रोज ही देखते हो, फिर अब नया क्या देख लिया जो इतने परेशान हो? चेतन ने कहा, मेरे साथ आओ वीर सिंह, कुछ दिखाना है तुम्हें। दोनों किताबों वाले कमरे में आए तो चेतन ने किताब में बनी बॉक्स की आकृति और वहां लिखे शब्दों की ओर इशारा किया, तो वीर सिंह ने उसे गौर से देखा और बोला, ये तो वही डिब्बे लग रही है जिसके बारे में तुमने हमें बताया था कि मंदिर के गर्भगृह में रत्नों से जड़ी एक डिब्बी रखी है, लेकिन इसके नीचे जो लिखा है वो किसी पहेली की तरह लग रहा है। क्या मतलब हो सकता है इस पहेली और इस डिब्बी के चित्र का? चेतन ने कहा, मतलब ही तो समझना है वीर सिंह, तुमने सारी कहानी तो इस किताब के जरिए जान ही ली है। इस बॉक्स को मंदिर के गर्भगृह में तुम्हारे परदादा अरुणोदय सिंह ने ही रखा था, और तुम्हें पता है कि ये बॉक्स उन्हें किसने दिया था? वीर सिंह ने कहा, हाँ किसी बाबा ने दिया था। चेतन ने कहा, किसी बाबा ने नहीं, बल्कि उसी बाबा ने जिसके पास तुम मुझे लेकर गए थे, और जब मैं कल उनसे मिलने गया तो उस बाबा की उम्र आधी हो चुकी थी। जब हम गए थे तो वो 80 साल के लग रहे थे, और कल मैंने उन्हें देखा तो वो 40 के लग रहे थे। वीर सिंह ने हैरानी से कहा, ये कैसे संभव है? किसी की उम्र घट कैसे सकती है?
चेतन ने कहा। यही तो मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन एक चीज है जो मुझे समझ आ रही है और वो है इस बॉक्स के ऊपर रत्नों से बनी ये रात की रानी का फूल। वीर सिंह ने सवालिया नजरों से चेतन को देखा तो उसने कहा, देखो इस बॉक्स के ऊपर भी रात की रानी के फूल का डिजाइन बना हुआ है और जब भी खूनी वधु आती है तो रात की रानी के फूलों की खुशबू आती है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो गहरा जुड़ा है इस फूल और खूनी वधु और इस बॉक्स के राज के पीछे। चेतन की बात सुन वीर सिंह भी काफी गंभीर हो गया। उसने थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहा, चलो हमारे साथ। चेतन ने पूछा, कहाँ? वीर सिंह ने कहा, मंदिर, वहीं इस राज का पता चलेगा, यहां ऐसे सोचने से कुछ नहीं होने वाला। दोनों घर से बाहर निकल दरवाजे तक आए ही थे कि सामने का नजारा देख हैरान रह गए। घर के बाहर फुलवारी वाले हिस्से में ढेर सारे रात रानी के पौधे लगे थे और उनमें बहुत सारे रात रानी के फूल खिले हुए थे जिसकी खुशबू से मन बहक रहा था। ये देखकर वीर सिंह और चेतन चौंक पड़े। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर चेतन ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? इतने सारे पौधे एक रात में अपने आप कैसे हो गए और वो भी फूलों के साथ? वीर सिंह के चेहरे पर खौफ पसर गया था। उसने कहा, चेतन हमें लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और उसका नुकसान हमें झेलना पड़े उससे पहले हमें इस पहले को हल करना होगा, मंदिर चलते हैं। वीर सिंह आगे बढ़ गया लेकिन चेतन वहीं रुक गया और कुछ सोचने लगा। तो वीर सिंह ने पूछा, क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? चेतन ने कहा, वीर सिंह सुबह का समय है, मंदिर में इस वक्त बहुत भीड़ होती है और हमें जाना है गर्भगृह के भीतर। हमारा जाना इस टाइम पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे। आई थिंक हमें दोपहर तक रुकना चाहिए, उस वक्त मंदिर में कोई नहीं होता। शाम के समय मंदिर फिर से बंद हो जाएगा तो दोपहर में ही जाना सही रहेगा। वीर सिंह को चेतन की बात सही लगी और दोनों घर के भीतर चले गए। उनके जाने के बाद पल भर में ही रात की रानी के सारे फूल एक झटके में सूख कर गिर गए, जैसे कि कभी खिले ही ना हो। इस बात से भी खबर दोनों दोपहर होने का इंतजार कर रहे थे। दोपहर होते ही चेतन ने वीर सिंह से मंदिर चलने के लिए कहा और दोनों घर के बाहर आए तो एक बार फिर सामने लगे रात रानी के पौधे और मुरझा कर बिखरे फूलों को देख वीर सिंह के माथे पर परेशानी उभर आई। उनके घर से निकलते ही माही भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। चेतन और वीर सिंह आगे आगे और माही उनके पीछे पीछे चल रही थी। थोड़ी दूर तक उनके पीछे जाने के बाद माही एकाएक रुक गई। उसने नजर घुमाकर अपने आसपास देखा और फिर एक दूसरी गली में मुड़ गई। थोड़ी देर बाद माही एक सुनसान सी सड़क पर थी। सड़क की दूसरी ओर एक ऑटो नजर आ रहा था। उस ऑटो को देखते ही माही के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वो झट से ऑटो के पास गई। ऑटो के अंदर कोई औरत बैठी हुई थी जिसने दुपट्टे से अपना चेहरा ढका हुआ था। माही ने उस औरत से कहा, वो दोनों अभी अभी मंदिर गए हैं उस डिब्बे का राज पता करने, यही सही मौका है हमारे पास। माही के कहते ही उस औरत ने अपना दुपट्टा हटा दिया और मुस्कुराने लगी। दुपट्टे के भीतर कोई और नहीं बल्कि वीर सिंह की पत्नी अर्पणा थी। जहां एक तरफ माही वीर सिंह की पत्नी अर्पणा से चोरी छुपे मिलकर उसे उनकी खबर दे रही थी, वहीं इस बात से अनजान चेतन और वीर सिंह मंदिर पहुंच चुके थे। दोपहर होने के कारण मंदिर में कोई भी मौजूद नहीं था। वीर सिंह ने आसपास देख कहा, यही सही मौका है, चलो अंदर जल्दी से। चेतन और वीर सिंह गर्भगृह के दरवाजे के पास पहुंचे तो दरवाजे पर खुले ताले को देख हैरान रह गए। चेतन ने अपने मन ही मन कहा, क्या ये ताला फिर से कालदूत ने खोला है? लेकिन वो यहाँ है क्या? उसे सोचता देख वीर सिंह ने कहा, ये ताला किसने खोला, तुम्हें पता है? चेतन ने अनजान बनते हुए कहा, नहीं मुझे कैसे पता होगा, मैं तो अभी तुम्हारे साथ ही आया हूं ना। वीर सिंह ने चेतन को शक भरी नजरों से घूरा और फिर दोनों अंदर चले गए। गर्भगृह में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। चेतन ने अपने फोन के टॉर्च को ऑन किया और कहा, उस तरफ वो बॉक्स रखा हुआ है। वीर सिंह उसके पीछे जाने लगा। गर्भगृह के एक कोने में सामान रखने वाले उस तख्ती पर वही बॉक्स रखा हुआ था।
बॉक्स पर लगे रत्न चमक रहे थे, जिससे उसके आसपास हल्की सी रोशनी भी फैली हुई थी। बॉक्स को देख वीर सिंह ने आश्चर्य से कहा, अरे बाप रे, इस डिब्बी पर तो असली हीरे लगे हैं। चेतन ने कहा, हीरे भी है और कई दूसरे कीमती रत्न भी है, और इन्हीं रत्नों से रात की रानी के फूल का डिजाइन बना हुआ है इस पर, जैसा कि चित्रलेखा किताब में बना था। खैर वो छोड़ो और मेरा फोन पकड़ो, मैं खोलता हूँ इसे। ये कहकर चेतन ने उस बॉक्स को उठाया और उसे खोलने लगा, लेकिन काफी देर कोशिश करने के बाद भी बॉक्स उससे खुल नहीं पाया। तो परेशान होकर बोला, ये बॉक्स पहले भी मुझसे नहीं खुला था और आज भी नहीं खुला, तो ये खुलेगा कैसे? चेतन ने अभी ये कहा ही था कि तभी उस बॉक्स से तेज रोशनी निकलने लगी, तो उसने घबरा कर उसे वापस उसकी जगह पर रख दिया और दोनों पीछे हट गए। बॉक्स से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी, जिससे उनकी आंखें चौंधे आ रही थी। अपनी आंखों को ढके हुए चेतन ने दोबारा उस बॉक्स को उठाना चाहा, तो इस बार वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। चेतन ने फिर से जोर लगाकर उसे उठाना चाहा, लेकिन वो बॉक्स जरा भी नहीं हिला। तो दोनों हैरान रह गए। वीर सिंह ने घबराते हुए कहा, अभी तो इसे उठाया था तुमने, फिर अब क्या हो गया और इससे इतनी तेज रोशनी कैसे निकल रही है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने? हे काल भैरव बाबा, रक्षा करना, क्षमा करना, हम जा रहे हैं यहाँ से, चेतन ने झुंझलाकर कहा। वीर सिंह, हम यहाँ इस बॉक्स के लिए आए हैं, ऐसे नहीं जा सकते। वीर सिंह ने कहा, इस डिब्बी को छोड़ो यहीं और चलो हमारे साथ। इसे यहाँ किसी बड़ी वजह के कारण रखा गया होगा ना, तो इसे यहीं रहने दो, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए हमारे कारण। चलो अब, इससे पहले कि कोई आ जाए। वीर सिंह ने लगभग खींचते हुए चेतन को वहां से बाहर निकाला और दरवाजे पर ताले को अटकाकर मंदिर से बाहर निकलने लगे। दोनों की शक्लों पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। अभी वो वहां से बाहर निकले ही थे कि तभी मंदिर के बाहर चार पांच लोग इकट्ठा हो गए और उनमें से एक ने गुस्से से कहा, ये लड़का हमारे मंदिर में क्या कर रहा है? चेतन ने कहा, कुछ नहीं, हम दोनों तो बस ऐसे ही दर्शन करने आए थे। उस आदमी ने कहा, वीर सिंह, अब तुम भी शहरी लड़के के साथ मिल गए, क्या तुमने भी ठान लिया है हम सबको बर्बाद करने का? ये तो सुधरेगा नहीं, लेकिन इसके साथ अगर तुम भी कुछ गलत करने की सोच रहे हो तो बता रहे हैं तुम्हें, अच्छा नहीं होगा ये। वीर सिंह ने शांति से कहा, देखिए, आप सब जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है, हम सच में यहाँ दर्शन करने ही आए थे। काफी देर तक वीर सिंह और चेतन वहां खड़े लोगों को समझाते रहे, लेकिन सभी लोग बस चेतन को गांव से बाहर जाने के लिए ही कह रहे थे। किसी भी तरह से वीर सिंह ने सभी को समझाया और जल्दी से चेतन को लेकर वहां से निकल गया। वीर सिंह ने कहा, तुम चिंता मत करो चेतन, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन चेतन का मूड उखड़ा हुआ था, अब भी वो उसी बॉक्स के बारे में सोचे जा रहा था। उसे ऐसे परेशान देख वीर सिंह ने कुछ भी नहीं कहा और दोनों चुपचाप से घर की ओर लौटने लगे। अंधेरा हो चुका था तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वीर सिंह और चेतन के बीच भी खामोशी थी। उसे ऐसे परेशान देख वीर सिंह ने कहा, तुम यही खुली हवा में थोड़ी देर टहल लो, हम तुम्हारे लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय लेकर आते हैं, तुम्हारा मूड भी सही हो जाएगा। वीर सिंह घर की ओर चला गया तो चेतन परेशान सा वहीं घूमने लगा। अभी वो बॉक्स के बारे में सोच ही रहा था, कितने में अचानक से तेज हवा चलने लगी और पल में मौसम बदल गया। मौसम को ऐसे बदलते देख चेतन ने कहा, ये अचानक मौसम को क्या हो गया है? लगता है तूफान आने वाला है। वो सोच ही रहा था कि उसे रात की रानी की फूलों की खुशबू आई और उसी पल चेतन की नजर सामने पड़ी तो अंधेरे में उसे धुआं सा उठता दिखाई दिया और साथ ही वहां किसी की परछाई नजर आई, जिसे देखते ही चेतन ने कहा, क्या वहां चित्रलेखा है? क्या है रात की रानी के फूलों का राज? क्या है उस बॉक्स के भीतर? क्या सुलझा पाएगा चेतन इस पहेली को? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधु, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। उठ रहे धुएं की ओर एकटक देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहां खूनी वधु ही है या उसका भ्रम है, लेकिन ये भ्रम नहीं था। तभी उसे अपनी दाहिनी तरफ किसी के होने का एहसास हुआ तो वो जैसे ही पलटा, सामने खूनी वधु खड़ी थी। चेतन ने आश्चर्य से कहा, चित्रलेखा, तो
चेतन के सामने खूनी वधु खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक तरह का खौफ था जिसे चेतन समझ नहीं पा रहा था। उसने फिर से कहा, चित्रलेखा क्या हुआ? तेज चलती हवा से चेतन को सामने देखने में भी परेशानी हो रही थी, लेकिन अपने हाथों से हवा को रोकने की कोशिश करता चेतन खूनी वधु से सवाल कर रहा था। तभी खूनी वधु ने अपने हाथ को चेतन के सामने किया तो चेतन ने हैरानी से उसके हाथों को देखा और सवालिया नजरों से खूनी वधु की तरफ देखा। उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब भी अपना हाथ उसके सामने रखा था। चेतन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने गौर से उसके हाथों की ओर देखा तो वो चौंक पड़ा। हल्की रोशनी में उसे साफ साफ तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी कलाई पर कुछ निशान जैसा बना हुआ था। चेतन उस निशान को ठीक से देखने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन अगले ही पल खूनी वधु वहां से गायब हो गई। खूनी वधु के गायब होते ही वहां सब कुछ पल भर में शांत हो गया, जैसे तूफान कभी आया ही ना हो। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि एक पल को चेतन को लगा जैसे उसने कोई सपना देखा हो, लेकिन ये सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। चेतन वहीं खड़ा सोचता रहा कि आखिर खूनी वधु ने उसे अपना हाथ क्यों दिखाया था। अगले ही पल उसने चौंकते हुए कहा, क्या चित्रलेखा मुझसे कुछ कहना चाह रही थी? उसकी कलाई पर कुछ तो था जो वो मुझे दिखा रही थी। एक मिनट, क्या उसकी कलाई पर फूल का निशान बना था? रात की रानी का फूल? अरे हाँ, वो रात की रानी के फूल का ही निशान था। चेतन को जैसे ही बात समझ आई वो वीर सिंह के घर की ओर भागा तो सामने से आते हुए वीर सिंह से टकराते टकराते बचा। वीर सिंह ने कहा, कहाँ भागे जा रहे हो भाई? चेतन ने हड़बड़ाहट में कहा, चित्रलेखा आई थी, मेरा मतलब खूनी वधु, और तुम्हें पता है उसने मुझे क्या दिखाया? वीर सिंह ने उत्सुकता में झट से पूछा, क्या दिखाया? चेतन ने कहा, उसके हाथ पर रात की रानी के फूल का टैटू बना हुआ था। चेतन की बात सुनकर वीर सिंह ने सोचते हुए कहा, टैटू मतलब चित्र, इसका मतलब खूनी वधु तुम्हें कुछ बताना चाहती है। हो ना हो, इन सब से रात की रानी का कोई तो बहुत बड़ा संबंध है। इस घटना के बाद चेतन सोने तो चला गया, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। रात उसकी करवट बदलते हुए ही गुजर गई। अगली सुबह चेतन बिना किसी को कुछ बोले घर से निकल चुका था। दिन चढ़ते चढ़ते वो एक बार फिर से फूलपुर गांव के बाहर वाले उस मंदिर के पास उसकी रहस्यमयी बाबा के बारे में जानने के लिए पहुंच चुका था। चेतन वहां पहुंचा तो उसने बाहर से ही झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। भीतर सन्नाटा था और उस खुले फील्ड जैसी जगह में मंदिर के आसपास भी उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने खुद से कहा, बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे, अंदर जाकर देखता हूं, कुछ ना कुछ तो पता जरूर चल ही जाएगा कि आखिर इस बाबा का राज क्या है। सोचते हुए चेतन भीतर आया और उसी पेड़ के पास आकर खड़ा हो गया जहां बाबा ध्यान लगाकर बैठा करते थे। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई, लेकिन कोई भी नहीं दिखा। तभी अचानक उसकी नजर पेड़ के चारों ओर बने उस चबूतरे पर गई तो वो हैरान रह गया। वहां ढेर सारी काली चींटियां थी। वहां एक साथ इतनी काली चींटियों को देख चेतन हैरान ही हो रहा था कि उसकी नजर पेड़ के आसपास बिखरे रात की रानी के फूलों पर गई तो वो चौंक पड़ा और बोला, ये रात की रानी के फूल यहाँ इतने सारे, पर कैसे? ये पेड़ तो पीपल का है, फिर ये यहाँ कैसे आए? चेतन ने हर तरफ देखा, लेकिन दूर दूर तक उसे कहीं भी रात की रानी का कोई भी पौधा या पेड़ नजर नहीं आया। उसने सोचते हुए अपने माथे पर हाथ रख लिया और बोला, कैसे पॉसिबल है ये? पहले चित्रलेखा किताब पर बने उस बॉक्स पर रात की रानी के फूल का डिजाइन, फिर वो पहेली, उसके बाद वीर सिंह के घर के बाहर अचानक ही खुद ब खुद रात की रानी के पौधों का उगाना और फूलों का खिल जाना, और फिर चित्रलेखा का अपनी कलाई पर इसी फूल की आकृति को दिखाना, और अब यहाँ इस तरह से इन फूलों का होना। कुछ ना कुछ तो है, ये सब कुछ इस फूल से जुड़ा है, लेकिन क्या और कैसे? चेतन अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ दूरी पर किसी के गुजरने का एहसास हुआ तो उसने मुड़कर देखा। कोई औरत साड़ी पहने आंचल से अपने चेहरे को छपाते हुए वहां से तेज कदमों से निकल रही थी।
लेकिन चेतन की नजर उस पर पड़ चुकी थी। वो भागता हुआ गया और उस औरत का रास्ता रोकते हुए खड़ा हो गया और पूछा, आप यहाँ क्या कर रही है अर्पना? चेतन के सामने छिपती हुई वो औरत अर्पना थी, जिसे चेतन ने पकड़ लिया था और अब उसके चेहरे पर घबराहट भी साफ दिखाई दे रही थी। अर्पना ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो चेतन, मैं यहाँ ऐसे ही बस वो मंदिर आई थी, मैं यहाँ आती रहती हूँ, मैंने मन्नत मांगी थी तो बस पूजा करने आई थी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चेतन ने शक भरी नजरों से अर्पना को देखा और सोचने लगा कि अगर ये मंदिर आई है तो इसके हाथ में पूजा की थाली क्यों नहीं है। लेकिन फिर से अर्पना की आवाज से वो अपनी सोच से बाहर आया और बोला, मैं कुछ काम से निकला था, रास्ते में मंदिर दिखा तो रुक गया, वो क्या है ना, प्यास भी बहुत लग रही थी तो पानी पीने आया था। चेतन ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा और फिर सामने वाले हैंडपंप पर पानी पीकर वहां से निकल गया। उसने जाते जाते एक बार फिर अर्पना की ओर देखा। बाहर आते ही चेतन के दिमाग में पहला सवाल यही आया कि अर्पना वहां पूजा करने आई थी तो उसके पास पूजा का कोई सामान क्यों नहीं था, और अगर वो सच कह रही थी तो इतना घबरा क्यों रही थी। फूलपुर गांव पहुंचते पहुंचते चेतन को लगभग शाम हो गई। वो घर पहुंचा और तेजी से घर में घुसकर वीर सिंह को आवाज लगाने लगा, वीर सिंह कहां हो तुम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन ना ही वीर सिंह की कोई आवाज आई और ना ही माही दिखाई दी, तो वो सीधा माही के कमरे की ओर बढ़ गया। वो कमरे तक आया ही था कि एकदम से माही उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसका रास्ता रोकते हुए बोली, कहां घुसे जा रहे हो ऐसे और इतनी जल्दी में क्यों हो? चेतन ने माही को घूरा और बोला, तुम मेरा ऐसे रास्ता रोक कर क्यों खड़ी हो? माही ने अपनी घबराहट को छिपाते हुए कहा, मैंने कहा रास्ता रोका है, और ये छोड़ो, वीर भैया अभी घर पर नहीं है, वो शहर गए हैं, रुई मंडी में, रुई खत्म हो गई थी ना तो वही लाने गए हैं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ। तुम कहां से आ रहे हो? चेतन ने परेशानी से कहा, कुछ नहीं बस ऐसे ही। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है, इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? माही ने चेतन को पकड़ उसे सीढ़ियों की ओर घुमाते हुए कहा, तुम्हें खीर खानी है तो जाकर पहले चेंज कर लो, मैंने खीर बनाई है वो लेकर आती हूँ, अब जाओ। चेतन को माही का ये रवैया थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन वो अपने कमरे की ओर चला गया। चेतन ने कमरे में आकर किसी को फोन लगाया, रिंग जा रही थी। दूसरी ओर से किसी ने फोन उठाया तो चेतन ने जल्दी से पूछा, कुछ पता चला? दूसरी ओर से आवाज आई, हाँ कुछ हाथ लगा है, लेकिन इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा, तो कुछ दिन का टाइम और दो, अब फिर बात करते हैं, आई होप तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चेतन ने ओके कहा और फिर फोन को कट कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, सच तक पहुंचना बहुत जरूरी है और अब मैं हर बात की तह तक पहुंच कर ही रहूंगा। वो बेड पर लेटे लेटे माही का वेट करने लगा और पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। जब आंख खुली तो चेतन हड़बड़ाता हुआ उठा और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखकर बोला, ओ गॉड, इतनी देर तक सोया रह गया मैं, लेकिन माही कहाँ है? वो कब से मेरे लिए खीर ही लेकर आ रही है क्या? देखता हूँ आखिर कहाँ बिजी है ये। चेतन कमरे से निकला और सीढ़ियों तक पहुंचा ही था कि तभी माही दौड़ते हुए आई और बोली, कहाँ जा रहे हो, मैं खीर लेकर आई हूँ, पहले इसे खाओ। चेतन ने माही को ऐसे बेचैनी में देखा तो बोला, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, तुम आई ही नहीं, तुम्हारा इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई थी और तुम अब आ रही हो। माही ने कहा, हाँ वो मैं आई तो थी लेकिन तुम सो रहे थे तो फिर मैं वापस चली गई, चलो अब कमरे में चलो। चेतन ने कहा, लेकिन मुझे काम है, मैं वीर के बुक्स वाले रूम में जा रहा हूँ, वहीं चलो, बात भी कर लेंगे और खीर भी खा लूंगा। कहता हुआ चेतन जैसे ही एक सीढ़ी से नीचे उतरा, माही ने उसका रास्ता रोकते हुए गुस्से से कहा, कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा ना ऊपर चलो, बात क्यों नहीं सुनते? चेतन ने कुछ भी नहीं कहा और कमरे में चला आया। माही ने उसे खीर खाने को दिया तो वो खीर के टेस्ट को फील करता हुआ खाने लगा, लेकिन माही का ध्यान कहीं और ही था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी और अपने दुपट्टे के कोने को उंगली में लपेट बेचैन हो रही थी। चेतन ने खीर की पूरी कटोरी चट कर दी और बोला,
लाजवाब। क्या खीर बनाती हो यार, मजा आ गया। इतनी टेस्टी खीर तो मैंने कभी खाया ही नहीं था। उस दिन भी गाजर का हलवा इतना टेस्टी बना था और आज ये खीर। शादी के बाद ना मेरे लिए रोज ही खीर बनाना तुम, चेतन माही से कहे जा रहा था। लेकिन माही का ध्यान कहीं और ही था, वो चेतन की बात को सुन भी नहीं रही थी। चेतन ने उसे ऐसे अपने में गुम देखा तो उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाते हुए बोला, ए, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मैं कब से तुम्हारी तारीफ किए जा रहा हूँ और तुम हो कि पता नहीं कहाँ खोई हुई हो। माही ने जल्दी से कहा, नहीं मैं कहीं नहीं खोई हूँ, मैंने सुना तुमने क्या कहा। थैंक यू सो मच। चेतन को लगा कि शायद माही की तबीयत ठीक नहीं है। वो उठा और बोला, मुझे चित्रलेखा किताब में कुछ देखना है माही, चलो मेरे साथ नीचे। चेतन उठकर जाने ही वाला था कि माही ने फौरन ही उसका रास्ता रोक लिया और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे वापस से बेड पर बिठा लिया और बोली, कहाँ जा रहे हो? जब देखो उस खूनी वधू की बात करते रहते हो। अपने भूतकाल में उससे मिलकर आ तो चुके हो, अभी मन नहीं भरा है क्या? कहीं नहीं जाना है तुम्हें, मेरे पास बैठो और मुझसे बातें करो। इतना कहकर माही चेतन के सीने से जा लगी तो चेतन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसने अपने दिमाग को शांत करते हुए माही को गले से लगा लिया और उसके माथे पर एक प्यार भरा किस कर लिया। लेकिन चेतन के सीने से लगी माही का ध्यान अब भी दरवाजे की ओर ही था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। चेतन ने उसे खुद से अलग किया और बोला, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और तुमसे बहुत सी बातें भी करनी है, लेकिन यहाँ नहीं, नीचे चलो, मैं चित्रलेखा वाली बुक में तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो वहीं चलो, बैठकर बातें भी कर लेंगे। चेतन ने माही का हाथ पकड़ उसे जैसे ही उठाना चाहा, माही ने एक झटके में उसके हाथ को खींचा तो चेतन का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा माही के ऊपर जा गिरा। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे की नजरों में खो गए और फिर माही ने धीरे से चेतन के होंठों पर किस कर लिया तो चेतन ने भी माही को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, क्या बात है, आज किसी को मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहा है। माही ने चेतन के माथे पर आए उसके छोटे छोटे बालों को हटाते हुए कहा, प्यार है तो प्यार आ रहा है, और रोमांटिक अगर तुम नहीं हो सकते तो क्या मैं भी ना हूं? इतने दिनों बाद हम मिले हैं और तुम्हें बस मुझसे दूर जाने की जल्दी मची है। चेतन ने माही के होंठों को चूमा और उसके गालों को सहलाते हुए बोला, कौन कमबख्त दूर जाना चाह रहा है तुमसे, मैं तो अब भी शादी कर लूं और ले जाऊं तुम्हें अपने साथ यहां से हमेशा के लिए। आई लव यू सो मच, माही ने हंसते हुए कहा। आई लव यू टू, और फिर उसने उसे किस कर लिया और चेतन भी उसके नर्म होठों के एहसास में खोता चला गया। चेतन ने माही को अपनी बाहों में लिया और उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसके गालों को चूमने लगा। धीरे धीरे चेतन के होंठ माही की गर्दन से नीचे जा रहे थे तो माही भी उसके प्यार भरे छुअन में खोती जा रही थी। माही ने चेतन के शर्ट के भीतर अपने मुलायम और ठंडे हाथों को डाला तो चेतन से हर उठा और माही के होंठों पर किस करने लगा। दोनों एक दूसरे में उलझते चले गए और चेतन ने पास ही रखी चादर को खींच कर अपने और माही के ऊपर डाल लिया, जहां एक तरफ माही और चेतन अपने प्यार के लम्हों में खोए हुए थे, वहीं दूसरी ओर वीर सिंह के किताबों वाले कमरे में कोई शख्स मौजूद था जो वहां रखी किताबों में कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन शायद उसे वो किताब कहीं नहीं मिल रही थी। उसने झल्लाते हुए कहा, आखिर कहां गई ये चित्रलेखा किताब? कौन है जो तलाश कर रहा है चित्रलेखा किताब को? क्या छुपा रही है माही चेतन से? क्या चेतन समझ पाएगा रात की रानी के फूलों का राज? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। एक तरफ वीर सिंह के किताबों वाले कमरे में कोई चित्रलेखा किताब को खोज रहा था, वहीं दूसरी ओर माही और चेतन एक दूसरे की बाहों में थे। माही ने चेतन के सीने पर अपना सर रखा हुआ था और चेतन एक हाथ से उसके बालों को धीरे धीरे सहला रहा था और दूसरे हाथ में माही का एक हाथ लेकर चूम रहा था कि तभी अचानक से माही हड़बड़ा के उठी और चेतन के हाथों को हटाते हुए बोली, चेतन
मुझे काम है, तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। इससे पहले कि चेतन कोई सवाल कर पाता, माही पल भर में ही कमरे से बाहर चली गई और चेतन उसके इस रवैये पर हैरान रह गया। चेतन ने अपने मन में कहा, पता नहीं आज क्या हो गया है माही को, जब से आया हूँ कुछ अजीब ही बिहेव कर रही है। माही नीचे आई और भागते हुए किताबों वाले कमरे की तरफ गई, लेकिन जब उसे वहां कोई नजर नहीं आया तो वो अपने कमरे की तरफ आई और दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। माही के सामने उसके कमरे में अर्पणा बैठी थी, उसके हाथ में एक काले रंग की पोटली थी। माही ने अंदर आते ही दरवाजे को लगा लिया और पलटते ही कहा, काम हो गया। माही की ये बात सुनकर अर्पणा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। माही ने अपने हाथ की मुट्ठी खोली तो उसमें एक बाल का टुकड़ा था, जिसे अर्पणा उसके हाथ से लेकर देखते हुए मुस्कुराने लगी। अर्पणा ने कहा, मुझे वो किताब कहीं नहीं मिली। माही ने कहा, किताब नहीं मिली? पर वो तो उसी कमरे में रखी होती है, फिर कैसे नहीं मिली आपको चित्रलेखा किताब? किताब खुद से तो कहीं जाएगी नहीं। कुछ सोचकर माही ने कहा, ठीक है मैं देखती हूँ, लेकिन अब आपको यहाँ से निकलना चाहिए। अर्पणा ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों चुपचाप से घर के बाहर आए। अर्पणा ने अपने दुपट्टे से अपना चेहरा छपाया और वहां से फौरन निकल गई। उसके जाते ही माही ने राहत की सांस ली और धीरे से बोली, I'm sorry चेतन, मुझे माफ कर देना, मुझे ये करना पड़ा, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई और चारा नहीं था, मुझे तुम्हारे बाल को चुराना पड़ा। अपने मन में कहते हुए माही जैसे ही पलटी, उसके सामने चेतन खड़ा था। उसे अचानक से अपने पीछे देख माही घबरा गई। चेतन ने माही से पूछा, क्या हुआ है माही तुम्हें, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी, ये तुम्हें क्या हो क्या रहा है? अभी ऊपर तो इतना रोमांटिक हो रही थी तुम, और अभी ऐसे इतनी टेंशन में क्यों खड़ी हो यहाँ दरवाजे पर? चेतन के इस सवाल पर पहले तो माही चुप हो गई, फिर अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं हुआ है मुझे, बस थोड़ी थकान की वजह से ऐसा हो रहा है, और कुछ नहीं। कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे जो कि चेतन देख नहीं पाया। जहां माही और अर्पणा चेतन और वीर सिंह से कुछ छपा रहे थे, वहीं दूसरी ओर फूलपुर गांव के पड़ोसी गांव में वही तांत्रिक जिसने खूनी वधु को वश में करने की कोशिश की थी, किसी शमशान घाट पर कुछ अजीब ही क्रिया करने की तैयारी में लगा हुआ था। नदी के किनारे शमशान की जमीन पर तांत्रिक एक त्रिकोण के बीचों बीच बैठा, आंखें बंद किए कुछ बुदबुदा रहा था। उसके एक हाथ में एक खोपड़ी थी और दूसरे हाथ में मिट्टी का बना कटोरा था जिसमें अंगारे भरे थे। सामने आग जल रही थी जिसकी रोशनी में तांत्रिक का चेहरा चमक रहा था। आग की धधक इतनी तेज थी कि पूरे शमशान में रोशनी चमक रही थी। ठंडी हवा के चलने से उस आग में थिरकन हो रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो धधकती हुई अग्नि कोई नृत्य कर रही हो। तभी उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में आग और गुस्से की ऐसी लालिमा थी जैसे आंखों में खून तैर रहा हो। तांत्रिक ने अंगारों से भरे उस कटोरे को आग में डाल दिया और फिर अपने दोनों हाथ में उस खोपड़ी को उठा, जोर से चिल्लाकर बोला, खूनी वधु, आज तेरा नाश निश्चित है। उस दिन तो तू मेरे हाथों उस मूर्ख युवक के कारण बच गई, लेकिन अब तेरे साथ साथ उसकी भी खैर नहीं। तुझे क्या लगता है, तुझे बचाकर उसने मुझे हरा दिया और तेरी रक्षा की? इतना कहकर तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा और फिर उसने दहकते हुए आग में उस कंकाल खोपड़ी को रख दिया और फिर जोर से कोई मंत्र पढ़ने लगा। तांत्रिक के चेहरे पर एक गहरी कुटिल मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अभी तो मैंने अपना काम शुरू किया है, बहुत जल्द मेरे हाथों तेरी मौत निश्चित है। तांत्रिक खूनी वधु से अपनी हार का बदला लेने के लिए पूरी तैयारी कर रहा था। वही इस बात से अनजान चेतन अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। फिर कुछ सोचकर चेतन घर से बाहर निकल गया। रात के करीब 10 बजे होंगे। पूरा फूलपुर गांव सन्नाटे में था। सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी। दूर से कुत्तों के भौंकने के अलावा कहीं कोई आवाज नहीं थी। वो तेज कदमों से चलता हुआ खुद से बोला, मुझे उस अजीब से कॉल के बारे में पता करना होगा, उस मधुमिता के बारे में और मेरी उस गलती के बारे में जिसके बारे में वो बात कर रही थी। चलते चलते वो मंदिर के पास पहुंचा और कालदूत को आवाज लगाने लगा, कालदूत, कालदूत, कहां हो तुम? मेरे सामने आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन कहीं से कालदूत की कोई प्रतिक्रिया ना पाकर चेतन उसे मंदिर के चारों तरफ खोजने लग गया।
काफी देर तक वहां भटकने के बाद भी जब उसे कालदूत नहीं मिला तो वो वापस वीर सिंह के घर की तरफ लौट पड़ा। जैसे वो बाहर का मेन रोड खोलकर अंदर जाने को हुआ कि उसे जमीन पर कुछ चिपचिपा सा चमकता हुआ दिखा। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर जैसे ही देखा वो डर से एकदम पीछे हट गया। वो किसी के खून लगे पैर का निशान था जो अभी ताजा ही लग रहा था। चेतन घबरा गया और कई अनहोनी बातें उसके दिमाग में एक साथ चलने लगी। वो अंदर जाकर देखने को हुआ कि वीर सिंह और माही ठीक तो है ना, लेकिन वो ठिटक गया। उसने देखा कि एक तो ये निशान घर से बाहर की तरफ जाते हुए दिख रहे थे और दूसरा कि अगले पैर का निशान इतनी दूरी पर था कि कोई साधारण इंसान इतने बड़े स्टेप्स नहीं ले सकता। उसने अपने आप से कहा, ये किसके फुटप्रिंट्स है, ऐसे खून से सने हुए। चेतन उस फुटस्टेप्स को फॉलो करता हुआ चलने लगा। रात के अंधेरे में अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चेतन नीचे की तरफ आंख गड़ाए उस ताजे खून लगे फुटस्टेप्स को फॉलो करता हुआ इतनी दूर निकल आया कि उसे पता ही नहीं चला कि चलते चलते वो कहां आ पहुंचा था। अचानक से उसने नजर उठाकर देखा तो वो किसी बड़े से फील्ड पर खड़ा था। उसने चारों तरफ एक नजर दौड़ाई लेकिन वहां कोई नहीं था। फील्ड पूरी तरह से खाली थी और सिर्फ सर्द हवा के चलने की आवाज और कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। उसने पाया कि जिस जगह वो खड़ा था, जहां वो फुटस्टेप आकर खत्म हुआ था, उसके ठीक सामने एक गोल घेरा बना हुआ था। चेतन आगे बढ़ा और मोबाइल के टॉर्च की रोशनी वहां डाली तो एक छोटे से गड्ढे से ढेर सारी काली छोटी बड़ी चींटियां बाहर निकल रही थी। उन चींटियों को देखते ही चेतन को ध्यान आया कि बाबा के पेड़ के पास वाले चबूतरे पर भी ऐसे ही विचित्र तरीके से काली चींटियों का रेला लगा हुआ था। चेतन उस गड्ढे के पास पहुंचा तो चींटियां उसके जूतों पर चढ़ने लगी। उसने बेचैनी से उन चींटियों को खुद से दूर किया। अचानक ही सारी चींटियां वहां से गायब हो गई तो चेतन आगे बढ़ा और कुछ सोचकर अपने हाथों से ही उस गड्ढे को कुरेदना शुरू कर दिया। पहले तो चेतन अपने हाथों से ही मिट्टी को खोदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब इससे काम नहीं बना तो उसने पास ही पड़े एक लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को उठाया और उससे खोदने लगा। तभी मिट्टी कुरेदते कुरेदते अचानक से उस लकड़ी से गड्ढे के अंदर कोई ठोस चीज पर एक चोट पड़ी। चेतन रुक गया और फिर उसने वहां की मिट्टी को जल्दी जल्दी हटाना शुरू किया। अभी उसने थोड़ी मिट्टी हटाई ही थी कि अगले ही पल उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां अंदर उस गड्ढे के बीचों बीच एक खोपड़ी पड़ी थी। वो खोपड़ी ऐसी लग रही थी जैसे उसकी आंखें और उसका मुंह खुला पड़ा हो। हड़बड़ाकर चेतन पीछे की तरफ लुढ़क गया, लेकिन उसने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और संभालते हुए उसने उस पर अपने मोबाइल के टॉर्च से फ्लैश मारा। जैसे उस खोपड़ी पर फ्लैश पड़ी, चेतन का दिमाग हिल गया। उस खोपड़ी के माथे पर उसे वही बर्थमार्क दिखा जो हर्षवर्धन की पीठ पर और चेतन के सीने पर था। तभी उसने गौर से देखा कि खोपड़ी पर कुछ लिखा भी है जो मिट्टी से ढका हुआ था। उसने उस पर से जल्दी से मिट्टी को हटाने के लिए जैसे एक फूंक मारी, उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उस पर लिखा था, जो छिपा है वही सामने है। चेतन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने खोपड़ी को अपने हाथ में ले लिया और आगे पीछे पलट कर देखने लगा, लेकिन उस बर्थमार्क और एक लाइन के अलावा उस खोपड़ी पर कुछ भी नहीं था। तभी उस खोपड़ी के भीतर से काली चींटियां निकलकर चेतन के हाथों पर रेंगने लगी तो उसके हाथ से घबराहट के कारण वो खोपड़ी छूटकर नीचे गिर गई। चेतन पीछे की ओर हटा और तेजी से दौड़ता हुआ वहां से भागने लगा। सियारो के रोने की आवाज से रात का सन्नाटा भंग हो रहा था और चेतन भागता ही जा रहा था कि तभी उसके पास से एक ठंडी हवा होकर गुजरी तो उसके कदम ठिटक गए। हांफते हुए चेतन ने चारों तरफ देखा। अगले ही पल उसे रात की रानी के फूलों की खुशबू का एहसास हुआ तो वो चौकन्ना खड़ा हो गया। अंधेरे में उसे अपने सामने किसी की परछाई नजर आई तो चेतन ने धीरे से कहा, चित्रलेखा, क्या तुम हो यहाँ? चेतन के सवाल पर खूनी वधु के पायलों की आवाज आई जो चेतन की ओर ही बढ़ रहे थे। खूनी वधु चेतन के पास आकर रुकी तो उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट थी जिसे देख पहले तो चेतन हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सवाल किया, क्या हुआ? क्या तुम मुझे कुछ बताने आई हो?
उसके इस सवाल पर खूनी वधु की मुस्कुराहट और भी बढ़ गई और वो चेतन के चारों तरफ घूमते हुए उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी जिससे उसकी खूबसूरती दुगनी हो रही थी। उसके माथे पर लगी लाल बिंदी और चमकती हुई माथा पट्टी के बीच उसके काले लहराते बाल चेतन का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। तभी उसने पीछे से चेतन के कंधे पर हाथ रखा और उसके कानों के पास आकर धीरे से बोली, चेतन मेरे साथ आओ। उसकी आवाज सुनकर चेतन पीछे मुड़ा और उसके पीछे पीछे जाने लगा। खूनी वधु का दुपट्टा हवा में लहरा रहा था और चेतन उसके पीछे चला जा रहा था। खूनी वधु से लेकर अपनी उसी खंडहर वाली हवेली पर आई, हर तरफ गहरा सन्नाटा था। पायलों की छन छन और हवा के कारण मंदिर की घंटियों की आवाजें आ रही थी और चेतन बिना सोचे खूनी वधु के पीछे चला जा रहा था। हवेली के पास पहुंचते ही चेतन रुक गया तो खूनी वधु पीछे मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ चेतन, अंदर आओ। चेतन ने कहा, लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो, क्या बताना चाहती हो तुम मुझे? खूनी वधु ने कुछ भी नहीं कहा और चेतन के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में देखते ही चेतन को झटका लगा क्योंकि उसकी आंखें अजीब ही तरीके से ग्लो कर रही थी। आज तक चेतन को उन आंखों में दर्द दिखा था, तड़प और मदद की उम्मीद दिखी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग ही नशा दिख रहा था। हवा के कारण उड़ते बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे और चेतन आज पहली बार उसकी खूबसूरती में खोए जा रहा था। खूनी वधु पलटी और वापस हवेली के भीतर जाने लगी तो चेतन भी किसी सम्मोहित इंसान सा उसके पीछे जाने लगा। खूनी वधु के पायलों की आवाज हर तरफ गूंज रही थी और हवाएं हवेली के भीतर के अधजले पर्दों को उड़ा रही थी। खूनी वधु उसे कमरे के पास आकर रुक गई जो भूतकाल में चित्रलेखा का कमरा हुआ करता था। चेतन भी चुपचाप से वहां आकर रुक गया तो खूनी वधु उसे लेकर कमरे के भीतर आ गई। उसने उसके हाथ को पकड़ा और सामने पड़े बिस्तर पर धकेल दिया। अगले ही पल खूनी वधु की आंखें चमकी तो बिस्तर पर गिरा चेतन एकदम से होश में आया और घबरा कर उठ बैठा। अपने सामने खूनी वधु को देख और खुद को हवेली के भीतर देख चेतन बुरी तरह से चौंक गया और बोला, ये यहाँ क्यों लेकर आई हो मुझे, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों? चेतन अपनी बात पूरी करता कि खूनी वधु हंसने लगी और चेतन के बिल्कुल करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, गलती का भुगतान तो करना पड़ेगा ना चेतन। इतना कहते ही खूनी वधु के आंखों का रंग खून सा लाल हो गया और उसके चेहरे के भाव बदल गए। जहां एक पल पहले वो मुस्कुरा रही थी वहीं अब उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। उसके बाल हवा में लहराने लगे और कमरे में रखी चीजें हवा में उड़कर जमीन पर गिरने लगी तो चेतन इससे सहम गया और घबराते हुए बोला, चित्रलेखा क्या हुआ है, अपना गुस्सा शांत करो, देखो मैं चेतन हूँ। चित्रलेखा तुम क्यों ऐसे गुस्सा हो रही हो? लेकिन चेतन के सवाल खूनी वधु पर कोई असर नहीं डाल रहे थे बल्कि उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक तेज चमक आ रही थी। उसने चेतन को जैसे ही पकड़ा चेतन फिर से अपने होश खो बैठा और उससे सम्मोहित हो गया। खूनी वधु ने उसे वापस से बिस्तर पर धक्का दिया तो चेतन गिर पड़ा। चेतन जो इस वक्त अपने होश में नहीं था उसे ऐसे देख खूनी वधु जोर जोर से हंसने लगी। क्या करने वाली है खूनी वधु चेतन के साथ? क्या चेतन को मारना चाहती है खूनी वधु? क्या है खोपड़ी पर बने बर्थमार्क का राज और क्या कर रहा है तांत्रिक? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधु सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। खूनी वधु अचानक ही हंसते हंसते रुक गई और चेतन के करीब आकर उसने चेतन के शरीर पर अपने हाथ फेरे और उसके होठों के करीब अपने होंठ लाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने चेतन के होठों को चूमना चाहा अचानक ही खूनी वधु को एक तेज झटका लगा और वो चेतन से दूर जा गिरी। लेकिन जितनी तेजी से वो गिरी थी उतनी ही तेजी से वो उठकर खड़ी हो गई। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा और भी अधिक था। दूसरी ओर चेतन जो बिस्तर पर लेटा हुआ था वो अचानक ही सम्मोहन से बाहर आया और बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे नहीं मार सकती हो, मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है, क्यों जान लेना चाहती हो मेरी? मुझे मारना ही था तो अब तक जिंदा क्यों छोड़ा था?
सामने खड़ी खूनी वधु, जिसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे और आंखें अंगारे की तरह जल रहे थे, उसने खुस्से से कहा, तू मरेगा, तुझे मरना ही होगा। लेकिन एक झटके में ही खूनी वधु के तेवर बदले और उसने चीखते हुए कहा, भाग जाओ हर्षवर्धन, मत रुको यहाँ, चले जाओ यहाँ से। लेकिन चेतन कुछ समझ पाता, उससे पहले ही उसके आसपास रात की रानी की फूलों की खुशबू फैल गई, तो चेतन मदहोश होने लगा और धीरे धीरे चलते हुए खूनी वधु के पास आकर खड़ा हो गया। खूनी वधु के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उसने चेतन के चेहरे पर अपने हाथ फेरे तो चेतन की आंखें बंद होने लगी। वो आगे आई और चेतन के होठों के पास अपने होठों को लाई, लेकिन एक बार फिर से उसे तेज झटका लगा और वो चेतन से दूर हो गई। इस बार उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि आसपास की चीजें एक दूसरे से टकराकर चूर चूर होने लगी, और तभी हवा में उड़ता हुआ एक तेज धार कांच का टुकड़ा चेतन की ओर तेजी से आया, लेकिन ठीक उसके पेट के पास आकर हवा में ऐसे रुका जैसे कि किसी ने उसे चेतन के पास पहुंचने से रोक लिया हो और पकड़ रखा हो। तभी खूनी वधु ने चिल्लाते हुए कहा, भाग जाओ हर्षवर्धन, निकलो यहाँ से। खूनी वधु को देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद से ही लड़ाई कर रही हो। अगले ही पल चेतन जैसे होश में आया और बेतहाशा भागता हुआ वहां से बाहर निकल गया। उसके निकलते ही कमरे में खूनी वधु के आसपास सब कुछ चकना चूर होने लगा। चेतन भागता हुआ हवेली के बाहर आया और एक पल के लिए रुककर उसने पीछे पलटकर दुख भरी नजरों से देखा और फिर वहां से जल्दी से निकल गया। चेतन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है उसके साथ। खूनी वधु का यह बदला हुआ रूप उसके लिए बहुत चौंका देने वाला था। डर और उलझन में वो वीर सिंह के घर की तरफ जितनी तेजी से हो सकता था भागा जा रहा था। घर आते आते वो पसीने से तरबतर हो गया और हांफते हुए अंदर घुसा ही था कि सामने से आते वीर सिंह से टकराते टकराते बचा। चेतन को इस हालत में देखते ही उसने उसे रोकते हुए एक ही सांस में कई सवाल पूछ लिए। अरे चेतन, ये इतनी सुबह सुबह कहाँ से भागे चले आ रहे हो? ऐसे हांफ क्यों रहे हो? क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन चेतन ने सिर्फ एक नजर उसकी तरफ देखा और बिना कोई जवाब दिए सीधे अंदर अपने कमरे में चला गया। वीर सिंह को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों चेतन ऐसे घबराया हुआ सा था। ऐसा डरा हुआ तो उसने कभी चेतन को नहीं देखा था। जहां वीर सिंह चेतन की इस हालत से खुद भी परेशान हो रहा था, वहीं दूसरी ओर चेतन अपने कमरे में पहुंचते ही बिस्तर पर बेजान सा गिर गया। गहरी गहरी सांस लेता हुआ चेतन खुद को संयमित करने की कोशिश कर रहा था। जब उसे थोड़ी राहत मिली तो उसने उठकर टेबल पर रखे जग को उठाया और बिना ग्लास में पानी डाले एक बार में ही पूरा पी गया। चेतन के मन में एक साथ कई सवाल चल रहे थे। वो कमरे में बेचैनी से टहलने लगा और सोचते हुए बोला, क्या हो गया है चित्रलेखा को? उसने मुझ पर हमला किया, मुझ पर, लेकिन क्यों? जब से मैं इस गांव में आया हूँ उसने कभी मुझे मारने की कोशिश नहीं की और ना ही मुझे कभी कोई नुकसान ही पहुंचाया। उस रात भी उसने खुद ही कहा था कि वो नहीं चाहती कि मुझे कुछ हो, फिर आज ऐसे क्यों? उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद से ही लड़ रही हो। पर यह अजीब बात थी कि जहां वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी तो वहीं वो मुझे बचा भी रही थी। जितना ही वो ये सब सोच रहा था उतना ही उसमें उलझता जा रहा था। वो खुद में बड़बड़ाए जा रहा था, पहले तो उस मैदान में गड़ी वो खोपड़ी जिस पर मेरा बर्थमार्क बना था और फिर चित्रलेखा का ये रूप जिसने मुझ पर जानलेवा हमला किया। क्या मतलब है इन सब का? आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ ये सब? वो अपने आप से ये सब बातें करते हुए ऐसा खोसा गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वीर सिंह चाय लेकर उसके कमरे में आ गया। चेतन को ऐसे घबराया हुआ अंदर आते और अब टहलते हुए खुद से बात करता देख वीर सिंह भी परेशान हो गया, लेकिन उसने सामान्य लहजे में ही कहा, ये लो गर्मा गर्म चाय। वीर सिंह की आवाज सुनकर चेतन चौंक गया और पूछा, अरे तुम कब आए वीर सिंह? वीर सिंह ने चिंता जताते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है जो ऐसे उलझे पड़े हो कि पता ही नहीं चला हमारे आने का तुम्हें? चेतन ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और फिर वीर सिंह को देख अचानक ही उसे अर्पणा का ध्यान आया तो उसने कहा, वीर सिंह, मैंने भाभी को उस बाबा के पास देखा जहां तुम मुझे लेकर गए थे और जिन्हें मैंने अपने भूतकाल में देखा था। वीर सिंह ने हैरानी से पूछा, कौन भाभी? इस पर चेतन ने कहा,
अरे वीर सिंह, मेरी जानकारी के बाहर और भी कोई भाभी है क्या? अर्पणा भाभी की बात कर रहा हूँ। इस बात पर वीर सिंह थोड़ा झेप गया। ओ अरे हाँ, अर्पणा भाभी ही तो हुई तुम्हारी। दोनों की एक साथ हंसी छूट गई। तो चेतन ने उसे उस बाबा के मंदिर पर की सारी घटना बता दी। तो वीर सिंह ने कहा, अच्छा हाँ हाँ, ये तो हमें पता है, वो वहां जाती रहती है अक्सर, लेकिन बाबा के पास नहीं बल्कि पूजा करने। एक आध बार हमारे साथ भी गई है। वो कोई बात नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो। वीर सिंह ने चेतन को तो समझा दिया, लेकिन उसे खुद को नहीं पता था कि अर्पणा उस बाबा के पास क्यों गई होगी। उसने मन ही मन सोचा, चेतन को तो समझा दिए, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हमसे छुपा के अर्पणा वहां क्यों गई थी। कहीं उसने उसी बाबा से तो वो तंत्र मंत्र नहीं सीखा है, कहीं वो फिर से छुप छुप के वही सब तो नहीं कर रही है। जो भी हो, लेकिन हमारे पीठ पीछे अर्पणा ये ठीक नहीं कर रही हो तुम। जहां चेतन और वीर सिंह अपने अपने ख्यालों में उलझे हुए थे, वहीं फूलपुर गांव से बाहर उस मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वो बाबा अपने ध्यान में मग्न थे। अपने ध्यान में ही बैठे बैठे वो रह रहकर अपना माथा ऐसे झटक रहे थे जैसे वो कोई सपना देख रहे हो जिसमें कुछ तो ऐसा हो रहा हो जो वो नहीं चाहते। अचानक से उन्होंने एक झटका देते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहा, मत करिए, मैं कहता हूँ रुक जा, अपने हट के लिए इस पूरी सृष्टि को खतरे में मत डाल, मेरी बात मान, रुक जा। बिना अपनी आंखों को खोले ही अचानक से उन्होंने अपना एक हाथ आगे किया और फिर कुछ बुदबुदाते हुए दूसरे हाथ को भी आगे कर अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे में बांध लिया। अपनी जुड़ी हुई हथेलियों को उन्होंने दो बार घुमाया और फिर उसके बीच थोड़ी सी जगह बनाई, तो देखते ही देखते उन हथेलियों के बीच एक पारदर्शी गोला आ गया। तभी धीरे से उन्होंने अपनी दोनों आंखों को खोला और उस गोले में देखने लगे। उस पारदर्शी गोले में वही बॉक्स नजर आ रहा था जो फूलपुर गांव के मंदिर के गर्भगृह में रखा था। बाबा ने बड़े गौर से गोले के भीतर नजर आ रहे उस बॉक्स को देखा और बिना किसी भाव के उन्होंने कहा, इस पर इस पूरी सृष्टि का भविष्य टिका है। ये कहकर उन्होंने अपनी हथेलियों को फिर से जैसे ही घुमाया, वो पारदर्शी गोला उनके हाथ से गायब हो गया। उन्होंने अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखे और अपनी आंखें बंद करके फिर से ध्यान में मग्न हो गए। इधर फूलपुर गांव से दूर तांत्रिक, जो खूनी वधू से बदली की आग में झुलस रहा था, तेज तेज कदमों से कहीं चला जा रहा था। आधी रात के वक्त सियारों के रोने की आवाज से पूरा वातावरण कांप रहा था। ऐसे में उसकी चाल से ऐसा लग रहा था जैसे वो एक कदम में कई कदम की दूरी तय कर ले रहा हो। चलते चलते तांत्रिक एक शमशान घाट में पहुंचा जिसके किनारे पर एक बड़ी नदी बह रही थी। शमशान में धूं धूं कर जल रही चार पांच चिताओं के बीच से होता हुआ तांत्रिक चिरंकारी बाबा के पास पहुंचा, जो कि रेत के एक टीले पे बैठे ध्यान मग्न थे। चिरंकारी बाबा का पूरा शरीर अस्थियों की राख से भरा हुआ था और शरीर पर नाम मात्र के कपड़े थे। उनके बाल जटाएं बन चुकी थी और उनकी लंबी काली दाढ़ी उनके पेट तक आ रही थी। उन्होंने अपने माथे पर और पूरे चेहरे पर राख लगाया हुआ था और उस राख के बीच माथे पर काला तिलक लगा हुआ था। चेहरे पर क्रोध के भाव थे और गले में कई सारी मुंड मालाएं लटक रही थी। चिरंकारी बाबा से थोड़ी दूरी पर कुछ और वैसे ही अस्थियों की राख से पुते लोग एक बड़ी से नगाड़ी को नदी के किनारे पर जोर जोर से बजा रहे थे, जिसकी आवाज वहां चारों ओर गूंज रही थी। हवा के कारण रेत उड़ रही थी और नदी के पानी में तेज लहरें उठ रही थी। तांत्रिक वहां पहुंचते ही ध्यान में मग्न चिरंकारी बाबा के आगे जमीन पर लेटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करने लगा। चिरंकारी बाबा ने बिना अपनी आंखें खोले ही जोर से पूछा, बता बच्चा, क्या लेने आया है यहाँ? ये सुनते ही तांत्रिक ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसने कहा, बदला। ये सुनते ही चिरंकारी बाबा जोर जोर से हंसने लगे, तो बाकी के उनके साथ के चिरंकारी बाबा और भी जोर से नगाड़ों को बजाने लगे। बाबा ने कहा, तेरी जान भी जा सकती है। तांत्रिक ने झट से कहा, मंजूर है। तभी पीछे नदी में एक जोरदार तूफान आया और नदी की लहरें बढ़ने लगी। हवा के जोर से चल रही चिताएं भी तेजी से धधक उठी। बाबा ने तांत्रिक से कहा, जा जाकर जलती हुई चिता से एक अस्थि उठा ला और शुरू कर अपना काम।
सुनते ही तांत्रिक की लाल हुई आंखों में एक चमक दौड़ गई और वो छत से उठा और दौड़कर जलती चिताओं में से एक अस्थि उठा लाया और बाबा के पास बैठकर उस अस्थि से एक गोल घेरा बनाया। फिर अपने दोनों हाथ उठाकर उसने किसी मंत्र को बुदबुदाया और उस अस्थि को उस गोल घेरे में रखकर एक जोर की फूंक मारी। फूंक मारते ही वहां आग धधक उठी। उस आग की रोशनी में तांत्रिक की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। तभी चिरंकारी बाबा कोई मंत्र बोलने लगे और देखते ही देखते उनके पीछे की बह रही नदी में एक जोरदार उफान आ गया। उस उफान के साथ ही एक बहुत तेज लहर उठी और नदी का पानी कई फीट ऊपर उछला और जब वो नीचे गिरा तो चिरंकारी बाबा और तांत्रिक दोनों उस पानी से भींग गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस गोल घेरे में जल रही आग पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो और धधक उठी। और तभी अचानक से तांत्रिक ने देखा कि उस जलती हुई आग के बीचों बीच एक भयानक चेहरा उभर आया जो जोर जोर से हंस रहा था। ये देखकर तांत्रिक भी एक पल के लिए सहम गया और उसने चिरंकारी बाबा की ओर देखा। चिरंकारी बाबा ने अपनी आंखें खोली और उस आग में उभरे चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। देखते ही देखते वो चेहरा उस आग के साथ ही बुझकर शांत हो गया और साथ ही सब कुछ सामान्य हो गया। तो तांत्रिक ने सवालिया नजरों से चिरंकारी बाबा की तरफ देखा। चिरंकारी बाबा की नजर अभी भी उस गोल घेरे की तरफ ही थी। तभी एकदम से उस गोल घेरे के भीतर की रेत नीचे की ओर धंसने लगी। देखते ही देखते वहां की रेत अंदर तक धंस गई और वहां एक गड्ढा सा बन गया। उस गड्ढे में देखते ही चिरंकारी बाबा ने तांत्रिक की ओर देखा और अगले ही पल दोनों जोर जोर से हंसने लगे। पास ही बैठे चिरंकारी बाबा के साथी फिर से नगाड़े को पूरी ताकत लगाकर बजाने लगे। चिरंकारी बाबा ने हंसते हुए कहा, तेरा समय अब करीब है खूनी वधू। जहां एक तरफ तांत्रिक और चिरंकारी बाबा मिलकर खूनी वधू के खिलाफ कुछ साजिश रच रहे थे, वहीं दूसरी ओर चेतन किताबों वाले कमरे से निकल अपने कमरे में आया और पानी का ग्लास उठाकर जैसे ही पानी पीने वाला था कि तभी उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ी तो उसके हाथ से पानी का ग्लास छूट कर नीचे गिर गया और चेतन के कदम लड़खड़ा गए। सामने की दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था, जैसे कि चेतन के लिए कोई मैसेज हो। चेतन ने पास जाकर देखा तो दीवार पर लिखा था, तुमसे ही मेरी जीत है और तुमसे ही अतीत है, अतीत का ये राज खुलेगा भी अतीत से ही। चेतन ने जैसे ही इन शब्दों को पढ़ा उसके चेहरे पर पसीने की बूंदी चमकने लगी और वो उन शब्दों को देखकर उसे समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई है जो उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर उस पर नजर रखे हुए है। क्या मतलब है दीवार पर खून से लिखे इन शब्दों का और कौन है चेतन के कमरे के बाहर? क्या करने वाला है तांत्रिक खूनी वधू के साथ? क्यों मारना चाहती थी खूनी वधू चेतन को? कैसे सुलझा पाएगा चेतन इन अनसुलझे रहस्यों को? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। चेतन फौरन ही भागकर दरवाजे तक आया ही था कि वहाँ जो कोई भी था वो वहाँ से तेजी से भागकर निकल चुका था। चेतन भी दौड़ते हुए नीचे तक आया, लेकिन मेन गेट तक आते आते वो माही से टकरा गया। तो माही ने उसे पकड़ते हुए पूछा, कहाँ भागे जा रहे हो चेतन, ऐसे क्या हो गया? चेतन ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो मुझे लगा कि मेरे रूम के बाहर अर्पना खड़ी थी। माही ने चौंकते हुए सवाल किया, कौन अर्पना? माही के सवाल से चेतन जैसे होश में आया और उसने एकदम से ये रियलाइज किया कि माही को तो वीर सिंह ने अर्पना के बारे में बताया ही नहीं है, तो उसे कैसे पता होगा? चेतन ने अपने आप से कहा, ओह शिट, ये मैंने क्या बोल दिया? माही के चेहरे पर शिकन आ गई थी, लेकिन उसने अनजान बनते हुए फिर से पूछा, कौन अर्पना चेतन? चेतन ने खुद को संभालते हुए कहा, अरे वो मेरी एक दोस्त थी, मुझे उसकी शक्ल अपनी दोस्त अर्पना की तरह लगी और कुछ नहीं। माही ने चेतन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ आगे बोले ही वहां से निकल गई। तो चेतन घर से बाहर निकला, लेकिन तभी उसके हाथ में पकड़े फोन से अजीब तरह की घर्राहट वाली आवाज आने लगी। तो चेतन ने चौंकते हुए फोन को देखा, उसके फोन की स्क्रीन रेड हो रही थी और तेजी से ब्लिंक कर रही थी। फोन को ऐसे देख चेतन घबरा गया और फोन उसके हाथ से छूटने ही वाला था कि फोन से झन्न की तेज आवाज आई और अगले ही पल किसी औरत की आवाज सुनाई दी।
तुम्हें अतीत में आना ही पड़ेगा चेतन, क्योंकि मुझे हारने की आदत नहीं है और मेरी जीत के लिए तुम्हें अतीत में आना ही होगा। चेतन ने फौरन पूछा, कौन हो तुम और ये क्या मजाक है? चेतन के सवाल के जवाब में फोन के दूसरी ओर से सिर्फ हंसी की आवाज गूंजी और फिर चेतन का फोन खुद ब खुद ऑफ हो गया। चेतन ने फोन को अपने हाथ पर पटका और फिर उसे ऑन करने की कोशिश करने लगा। उसने खुद से कहा, ये कॉल वाकई में सुपरनैचुरल है या फिर किसी ने इसे हैक किया है? पर कालदूत ने भी इस कॉल को लेकर बताया था कि ये वाकई में कालचक्र के किसी कोने से है। जहां एक तरफ चेतन इस अजीब से कॉल के बारे में सोच ही रहा था, वहीं दूसरी ओर अर्पणा तेज तेज कदमों से चलती हुई जा रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछना चाहा तो उसके हाथ में लगा खून उसके माथे पर लग गया। अर्पणा ने पीछे पलटकर एक बार वीर सिंह के घर की तरफ देखा और फिर वहां से दूसरी गली में बढ़ गई। इधर चेतन, जो अब भी खड़ा अपने साथ हो रही इन अजीब सी बातों के बारे में सोच रहा था, उसे अचानक ही कुछ आवाजें सुनाई देने लगी तो आवाज की दिशा में बढ़ा। आगे बढ़ने पर उसे महसूस हुआ कि आवाज वीर सिंह के किताबों वाले कमरे से आ रही है। चेतन जल्दी से उस कमरे में आया तो उसकी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ा रुक कर चेतन ने आंखें खोली और सामने देखा तो अंदर टेबल पर रखे किताब से वो तेज रोशनी आ रही थी और उस किताब के पन्ने हवा में फड़फड़ा रहे थे। कमरे में हर चीज तेज हवा के कारण अपनी जगह पर हिल रही थी। चेतन ने यह नजारा देखा तो उसने धीरे से कहा, चित्रलेखा किताब इससे मुझसे कुछ कहना चाह रही है, जैसे उस दिन बॉक्स के बारे में बताया था। चेतन चित्रलेखा किताब की तरफ बढ़ा और उसने किताब को उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, अचानक से सब शांत हो गया। तेज हवा थम गई, रोशनी आनी बंद हो गई और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया। चेतन की नजर किताब के एक खुले हुए पन्ने पर गई तो उसने उस पर लिखे शब्दों को पढ़ा, भूल कर भी अतीत में मत जाना वरना सर्वनाश होगा। चित्रलेखा किताब पर लिखे इन शब्दों को पढ़ते ही चेतन हैरान रह गया और उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने खुद से कहा, ये क्या हो रहा है? ये पास्ट का कॉल मुझे मैसेज दे रहा है और अब चित्रलेखा किताब भी मुझसे कुछ कह रही है। ये कुत्ती तो सुलझने की जगह उलझते ही जा रही है। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो घबराहट में उसने वीर सिंह को आवाज दी, वीर सिंह जल्दी से यहाँ आओ। वीर सिंह चेतन की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ कमरे में आया और बोला, चेतन तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? माही भी वहां आ चुकी थी। चेतन ने दोनों को चित्रलेखा किताब के उस खुले हुए पन्ने की तरफ इशारा किया तो वीर सिंह ने आगे बढ़कर वहां लिखे शब्दों को पढ़ा और फिर चौंकते हुए चेतन से बोला, ये क्या है चेतन? किसने लिखा है ये? चेतन ने कहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है वीर सिंह कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मुझे पास से कॉल आया और उस कॉल को करने वाले ने कहा कि मुझे अपने अतीत में जाना होगा, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है? चेतन ने पास्ट के कॉल और दीवार पर लिखे मैसेज और अब तक हुई सारी घटनाओं के बारे में सब कुछ बता दिया। चेतन की बात सुनकर माही और वीर सिंह ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और फिर वीर सिंह ने परेशान होकर कहा, बिना कालदूत के कुछ भी समझना आसान नहीं है चेतन, किसी भी तरह उससे संपर्क करना होगा तुम्हें। चेतन ने झुंझलाकर कहा, लेकिन वो मुझे कहीं मिले तब ना, इस समय कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कहते हुए चेतन ने किताब को टेबल पर रखा और वहां से सीधे अपने कमरे में चला गया। उसके दिमाग में कई सवाल आ रहे थे। उसने अपने मन में कहा, पता नहीं क्या है इस अतीत का असली राज, अब कौन सी कड़ी खुलने वाली है इस मसले में, क्यों मैं और फंसता ही जा रहा हूं इन सब में। ये सोचते हुए वो जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, उसकी नजर दीवार पर पड़ी तो वो चौंक गया। उस दीवार पर जहां कुछ देर पहले कुछ और ही लिखा था, वहां अब खून से ही बड़े बड़े अक्षरों में कुछ अलग ही लिखा हुआ था। चेतन ने पढ़ा, कोई कितना भी मना करे अतीत में आने के लिए, लेकिन अगर तुम नहीं आए तो उसका अंजाम बुरा होगा। ये मैसेज पढ़ते ही चेतन के होश उड़ गए। उसने अपना सिर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, बस करो ये अतीत अतीत अतीत, मैं पागल हो जाऊंगा। कोई कहता है अतीत में जाओ, कोई कहता है मत जाओ, ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ एक के बाद एक। चेतन ने इन सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए कालदूत से मिलने का फैसला किया और घर से निकल गया। रात होने वाली थी और वीर सिंह भी घर से निकलकर कहीं जा रहा था। वो वही रेलवे ट्रैक के पास वाले घर की तरफ जा रहा था
जहां वो अर्पणा से छुपकर मिलने जाता था। घर के पास पहुंचकर उसने ताला खोला और फिर अंदर आकर बेचैनी से टहलने लगा। अभी वीर सिंह परेशानी में चहलकदमी कर ही रहा था कि तभी वहां अर्पणा पहुंच गई, तो उसे घर के भीतर लाकर वीर सिंह ने जल्दी से दरवाजा लगाया और अर्पणा पर चिल्लाते हुए बोला, क्यों गई थी तुम उस बाबा के पास? उसी से सीखा है ना तुमने वो जादू टोना? मेरे मना करने के बाद भी तुम अभी तक वो सब कर रही हो? वीर सिंह को इस तरह से पहली बार गुस्से में देख अर्पणा भी एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन फिर अपनी मीठी आवाज में बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें चेतन ने बताया ना कि मैं वहां गई थी? हाँ गई थी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए मन्नत मांगी थी। उस पीपल के पेड़ को चमत्कारी पेड़ मानते हैं और ये मानते हैं कि उसके 108 चक्कर लगाने से कोई भी इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन तुम तो मुझ पर ही शक कर रहे हो। इस पर वीर सिंह बोला, झूठ मत बोलो अर्पणा, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। तुम सच सच बताओ कि तुम वहां क्यों गई थी? क्योंकि चेतन ने बताया हमें कि तुम्हारे पास पूजा का कोई भी सामान नहीं था। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि बिना सोचे समझे ये सब करने का क्या परिणाम हो सकता है। अर्पणा ने रोनी सूरत बनाकर कहा, तुम्हें तो मेरी बात पर भरोसा ही नहीं है, बस उस चेतन की बात पर भरोसा है, तो फिर जाओ उसी के पास, मेरे पास क्यों आए हो? लेकिन अर्पणा की इन बातों का भी वीर सिंह पर कोई असर नहीं हुआ, तो अर्पणा ने अपना दूसरा वार किया और वीर सिंह को अपनी बाहों में भर लिया। वीर सिंह ने अर्पणा के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, हमें तुम्हारी फिक्र है अर्पणा, एक तो हालात ऐसे नहीं हुए हैं कि हम तुम्हें अपने पास रख सके, और ऐसे में दूर रहकर हमें तुम्हारी ज्यादा चिंता होती है। उसकी ये बात सुनकर अर्पणा उसके सीने से लग गई और अपने हाथ की एक उंगली से उसके सीने को सहलाने लगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को चूमने लगे और अर्पणा खुद पर से अपना कंट्रोल खोने लगी। वीर सिंह ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अर्पणा उसकी आंखों में देखते हुए उसकी शर्ट की बटन को अपने हाथों से खोलने लगी। उसको बिस्तर पर लिटाते हुए वीर सिंह ने उसके गाल को अपने हाथों में लिया और कहा, अर्पणा तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? इस पर अर्पणा झूठी चिढ़ दिखाते हुए बोली, अरे कहा ना, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। अब ऐसे मूड बना के मूड खराब करने का इरादा है तो साफ कह दो, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। ये सुनकर वीर सिंह ने उसके होंठ पर किस किया और उसके गर्दन पर हाथ फेरते हुए उसके कान के पीछे अपनी उंगलियां फेरने लगा। अर्पणा को नशा सा चढ़ने लगा। उसने वीर सिंह को अपनी दोनों बाहों से अपने सीने में जकड़ लिया और ठंडी आंखें भरने लगी। उसकी आंखों को सुनकर वीर सिंह ने भी उसे अपनी बाहों में छुपा लिया और फिर धीरे से उसके कंधे से साड़ी का पल्लू हटाकर उसके कंधे पे चूमने लगा। एक दूसरे की बाहों में उलझे दोनों उस साड़ी के भीतर समा चुके थे। वीर सिंह को चूमते हुए अर्पणा के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी, जैसे कि वो काफी कुछ छुपा रही हो। वीर सिंह उसकी बाहों में था और अर्पणा प्यार से उसके बदन को सहला रही थी। उसने अपने मन में कहा, झूठ हो या सच वीर सिंह, तुम उसकी तह तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। मेरे सच को जानना इतना आसान नहीं है। अर्पणा के प्यार में खोया वीर सिंह उसके इरादों से अनजान था। वहीं दूसरी ओर चेतन खाली सड़कों पर कालदूत की तलाश में निकला हुआ था, लेकिन कालदूत आज भी उसे कहीं नहीं मिला। वो लौट ही रहा था कि तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आई, तो उसके कदम रुक गए। वो पलटा और आवाज की दिशा में बढ़ गया। वहां झाड़ियों के पीछे हलचल हो रही थी। चेतन सधे कदमों से उस झाड़ी की तरफ बढ़ा और फिर एक झटके से उस झाड़ी को हटाकर देखना चाहा, तो उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई वहां से भागा हो। अंधेरे में चेतन को साफ दिखाई नहीं दे रहा था, तो भी वो उसके पीछे भागा, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज में उलझ गया। चेतन ने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में उस चीज को देखना चाहा जिसमें उसके पैर उलझे हुए थे, तो वहां उसे कपड़े का एक सफेद टुकड़ा दिखा जिस पर खून से कुछ लिखा हुआ था। चेतन ने उन शब्दों को पढ़ना चाहा तो उसके होश उड़ गए। वहां लिखा था, अतीत तुम्हें अपने पास खींच कर ही रहेगा और तुम्हें आना ही पड़ेगा अपने अतीत में। चेतन ने इन शब्दों को पढ़ा और फिर अंधेरे में गायब हुए उस अनजान शख्स को देखने की कोशिश की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा था। जहां एक तरफ चेतन अतीत के इस राज में उलझा हुआ था, वहीं दूसरी ओर तांत्रिक शमशान में चिरंकारी बाबा के पास बैठा किसी तंत्र मंत्र में लगा हुआ था। शमशान में एक चिता तेजी से जल रही थी जिसे चिरंकारी बाबा अपने किसी तंत्र साधना के लिए प्रयोग कर रहे थे। तांत्रिक और चिरंकारी बाबा को घेरे 50-60 और चिरंकारी बाबा
वहां बैठे ध्यानमग्न थे। सभी का शरीर अस्थियों की राख से भरा हुआ था और सभी के बाल जटाएं हो रही थी। उनके गले में कई विचित्र मालाएं पड़ी थी। तभी चिरंकारी बाबा ने जोर जोर से किसी मंत्र को पढ़ना शुरू किया तो बाकी के सभी बाबाओं ने उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया, जिससे कि वहां का वातावरण गूंजने लगा। बाबाओं की आवाज इतनी तेज थी कि उससे धरती में कंपन का एहसास हो रहा था। हवा तेज तेज चलने लगी थी और नदी का पानी एक बार फिर से पूरे उफान पर था। चंद्रमा अपने पूरे तेज पर था, जिससे चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी। जलती हुई चिता से राख उड़ रही थी और चिंगारियां तेजी से फूट रही थी। तभी वहां किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी तो तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए ही अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। रोने की आवाज तेज होते जा रही थी। मुख्य चरणकारी बाबा ने आंखें बंद किए हुए ही पास रखी खोपड़ी पर अपना हाथ फेरा और फिर अपनी मुट्ठी को बंद कर एक जोरदार वार उस खोपड़ी पर किया तो खोपड़ी के परखच्चे उड़ गए। इसके साथ ही उनकी आवाजें और भी तेज हो गई और चिता और भी धधक उठी। रोने की आवाज भी तेज हो चुकी थी। अचानक ही मौसम बदला और तेज तूफान आ गया और फिर सामने जल रही चिता एक ही पल में बुझ गई और राख ठंडी पड़ गई। तो उसी पल सभी बाबाओं ने अपनी आंखें खोल ली और चिरंकारी बाबा की ओर देखने लगे। चिरंकारी बाबा अपनी जगह से उठे और गुस्से से बोले, बस अब तू नहीं बच पाएगी हमारे वार से। कुछ दिन और शेष है, उसके बाद तुझे वश में करना बच्चों का खेल होगा। इतना कहते ही चिरंकारी बाबा जोर जोर से हंसने लगे तो वहां बैठे अन्य चिरंकारी बाबाओं की हंसी से भी शमशान गूंज उठा। तांत्रिक के चेहरे पर एक कुतिल मुस्कान तैर गई। आखिर क्या होने वाला है तांत्रिक और चिरंकारी बाबाओं का वार खूनी वधु पर? क्या बचा पाएगा चेतन इस बार खूनी वधु को, या फिर फंस जाएगा खुद एक नए भंवर जाल में? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधु सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। वीर सिंह जहां एक और अर्पणा को चूमते हुए उसमें खोता ही जा रहा था, तो वहीं अर्पणा के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट वीर सिंह को गुमराह करने के इरादे से और गहरी हो रही थी। पर वीर सिंह चेतन की बात को सचमुच भूला या नहीं, इसका यकीन पाने के लिए अर्पणा प्यार की उमड़ी लहर के बीच एकाएक बोल पड़ी, वैसे एक बात कहें? वीर सिंह जो फिलहाल किसी सवाल की उम्मीद में नहीं था, चुपचाप अर्पणा को देखने लगा और तभी वो दोबारा बोली, एक हम ही हैं इस जहान में जो तुमसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन तुम हो जो हर वक्त शक की सुई हम पर टिकाए रहते हो। अर्पणा की बात सुनकर वीर सिंह उसके चेहरे की ओर देखते हुए मुस्कुराकर बोला, जानते हैं एक हुए मुस्कुराकर बोला जानते हैं एक तुम ही हो जो हमसे इतना प्यार करती हो, लेकिन इस प्यार के चक्कर में हम नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ हो जाए। माही के बाद एक तुम ही हो हमारी जिंदगी में और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते अर्पणा। और ये कहते ही वीर सिंह ने दोबारा अर्पणा को अपने सीने से कसकर चिपका लिया और धीरे से उसके कानों में जाकर प्यार से बोला, अच्छा आई लव यू, अब खुश हो जाओ। और अर्पणा इसे सुनते ही धीमे से शर्माते हुए वीर सिंह से लिपट गई। इस पर वीर सिंह ने भी बिना देर किए अर्पणा के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और धीरे धीरे सभी के लिए शिकवों को दूर कर इस रात को बेहतरीन बनाते हुए एक दूसरे में देर तक खोए रहे। इधर जहां अर्पणा और वीर सिंह अपने गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे में डूबे हुए थे, तो वहीं दूसरी ओर चेतन अभी भी मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में उस कपड़े को निहार रहा था जिस पर खून से कुछ लिखा हुआ था, अतीत तुम्हें अपने पास खींच कर ही रहेगा और तुम्हें आना ही पड़ेगा अपने अतीत में। कपड़े को हाथ में लिए थोड़ा डर और थोड़ी खींच के साथ चेतन पहले तो उस सफेद कपड़े को तोड़ मरोड़ कर फेंक कर आगे बढ़ जाना चाहता था, लेकिन अपने मन में भरे गुस्से के कारण उसने आव देखा ना ताव और उस कपड़े को हाथों से चीरते हुए बोला, मजाक बना रख दिया है इन सभी ने मेरी जिंदगी का, आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ, आखिर ये पहेलियां सुलझ क्यों नहीं रही? यार कहां हो तुम कालदूत, जरूरत है मुझे तुम्हारी, अगर सुन सकते हो तो यहां मेरे पास आ जाओ भाई, प्लीज एक तुम ही हो जो मुझे इससे बाहर निकाल सकते हो। और ये बोलते बोलते गुस्से में खींचते हुए वो कपड़े के चीथड़ों को वहीं फेंकते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है
कि उसे पीछे से एक हॉर्न की आवाज आती है जो धीरे धीरे उसके एकदम करीब आ जाती है। चेतन वहीं रुककर जैसे ही पलटता है तो देखता है एक ऑटो ठीक उसके सामने आकर रुक जाता है और फिर ड्राइवर चेतन से कहता है, वैसे तो लाइफ में बहुत कुछ है अपने पास भी करने को, पर क्या करूं, कोई भाई बोलकर बुलाता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। ऑटो वाले की बात सुनकर चेतन राहत की सांस लेते हुए कहता है, वैसे एक तुम ही हो जो मुझे डूबने से बचा लेते हो कालदूत, बाकी तो हर कोई न जाने कैसी कैसी मुसीबतों में फंसा कर मुझे ना जीने दे रहे हैं और ना ही मरने। चेतन की बात सुनते ही कालदूत मुस्कुराते हुए बोलता है, सारी कहानी यही कहोगे या कहीं और चले? ये सुनते ही चेतन फटाफट ऑटो में बैठते हुए कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है कालदूत, कुछ बहुत ही जरूरी बात। इस पर कालदूत चेतन की तरफ देखते हुए बोलता है, ठीक है चलो शांति से बात करते हैं, और ये बोलते ही कालदूत ऑटो स्टार्ट कर देता है। गांव में पसरे सन्नाटे के बीच चेतन ऑटो की गड़गड़ाहट और अपने सीने की धड़कन को साफ महसूस कर सकता था, जो बीच बीच में कभी घबराहट से तेज हो जाती तो कभी कालदूत को अपने सामने देख एकाएक शांत भी हो जाती। चेतन के मन में एक साथ कई सारे सवाल उमड़ रहे थे जिनके जवाब वास्तव में उसके पास थे ही नहीं। वो मन ही मन काफी कुछ सोचे जा रहा था कि तभी कालदूत ब्रेक लगाकर ऑटो रोक देता है और उतरते हुए पास के एक पेड़ के चबूतरे की ओर बढ़ने लग जाता है। उसे आगे बढ़ता देख चेतन भी उसके पीछे पीछे चल देता है और चबूतरे पर बैठते ही कालदूत बोलता है, हाँ तो बताओ कैसे याद किया मुझे और क्या जरूरी काम था? इस पर चेतन परेशानी के भाव लिए बोलता है, मैं फंस गया हूँ कालदूत, मेरी समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है और मैं ही क्यों बार बार। परेशान चेतन एक सांस में बिना देर किए ये सब बोल गया, जिस पर काल कहा, सवाल नहीं चेतन परेशानी बताओ, आखिर हुआ क्या है? ये सुनते ही चेतन धीमे से बोलता है, कल मुझे फिर से पास से किसी मधुमिता नाम की आत्मा का कॉल आया और उसने कहा मुझे अतीत में जाना ही होगा, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है तुम ही बताओ कालदूत, और तो और अभी तुम्हें बुलाने से पहले मुझे रास्ते में किसी के रोने की आवाज आई और जब मैं आगे बढ़ा तो पता है मुझे क्या मिला? चेतन के हैरान परेशान चेहरे को देखकर कालदूत ने कहा, क्या मिला बताओ जरा। इस पर चेतन ने गहरी सांस भरते हुए कहा, एक सफेद कपड़ा जिस पर खून से लिखा था कि अतीत तुम्हें अपने पास खींच कर ही रहेगा और तुम्हें आना ही पड़ेगा अपने अतीत में, आखिर तुम ही बताओ क्या मतलब है इसका? कालदूत अभी भी चेतन के चेहरे को गंभीर मुद्रा में देखे जा रहा था। वो कुछ बोलना चाह ही रहा था कि चेतन झट से बोल पड़ा, अरे हाँ मैं तुम्हें तो वो बताना ही भूल गया कि चित्रलेखा किताब में उस कपड़े वाली बात को उलट लिखा था, भूल कर भी अतीत में मत जाना वरना सर्वनाश होगा, आखिर तुम ही बताओ कालदूत ये सब क्या मजाक है? कोई अचानक से आकर कहता है अतीत में आ जाओ तो दूसरी तरफ से चित्रलेखा कहती है बिल्कुल मत जाओ, अरे मैं हूँ कौन? अरे मैं एक अदना सा आदमी हूँ कालदूत, लेकिन देखो ना इन सब ने मिलकर मुझे क्या क्या बना दिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ कालदूत। चेतन बिना पलक झपकाए और बिना सांस रोके एक झटके में ये सब बोल गया, मानो कितना कुछ उसके दिमाग में चल रहा था, और फिर एकाएक चुप हो गया जैसे एक सांस में उसने अपने ऊपर से कितना बड़ा बोझ पटक दिया हो। चेतन के चुप होते ही चबूतरे के आसपास एकाएक खामोशी फैल गई और कालदूत जो कि अब तक शांति से चेतन की बातें सुन रहा था वो शांति को भंग करते हुए बोला, खूनी वधु सही है, तुम्हें अतीत में अब नहीं जाना चाहिए। इसे सुनते ही चेतन बड़बड़ाते हुए बोला, और वो आत्मा मधुमिता जो मुझे कदम कदम पर चेतावनी देकर अतीत में जाने के लिए बोल रही है उसका क्या? इस पर कालदूत एक बार फिर से बोला, चेतन लेखा की बात कुछ और थी लेकिन अब जो कुछ भी है वो सिवाय एक षड्यंत्र के और कुछ भी नहीं है, और मैं ना तो तुम्हें इस खूनी खेल में शामिल होने की सलाह दूंगा और ना ही अब तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा। और ये बोलते ही कालदूत चबूतरे से उठते हुए बोला, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, रात बहुत हो गई है, सब तुम्हारी राह देख रहे होंगे। चेतन कुछ और पूछता लेकिन कालदूत के चेहरे के भाव और इस अंदाज में बातों को खत्म करने को लेकर वो समझ गया था कि आगे बात करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए वो चुपचाप ऑटो में जाकर बैठ गया और कालदूत ने भी बिना कोई सवाल जवाब किए फुर्ती से ऑटो को स्टार्ट कर कुछ ही देर में चेतन को उसके घर से थोड़ी दूर पहले ही उतार कर आगे बढ़ गया।
घर पहुंचते ही चेतन ने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ उठाया तो देखा कि दरवाजे को हल्के से धक्का देते ही वो खुद ब खुद खुल गया। दरअसल माही ने कमरे की खिड़की से दूर से आते हुए चेतन को देख लिया था, इसलिए पहले से ही उसने दरवाजे की कुंडी खोलकर छोड़ दी थी। पर दूसरी ओर चेतन बिना इस पर गौर किए कि दरवाजा खुला हुआ है, वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। चेतन के मन में बार बार कुछ सवाल और जवाब एक साथ उमड़ रहे थे। आखिर कालदूत ने मना क्यों किया? इससे पहले तो हर कदम पर उसने मेरी मदद की है। और दूसरी ओर खुद ही अपने जवाब से मन को शांत करने लगा। वैसे अगर आज कालदूत ने इसके लिए मना किया है तो हो ना हो वो बात जरूर मेरे हित की ही होगी। अपने सवाल जवाब में उसे अंदाजा ही नहीं रहा कि माही दरवाजे से थोड़ी दूर पर खड़ी है, जिसे चेतन ने ना तो उसके बगल से गुजरते हुए महसूस किया और ना ही एक बार के लिए उसके दिमाग में आया कि माही अभी भी सीढ़ियों के नीचे से उसको ऐसे जाते हुए देख रही है। माही को चेतन का ये व्यवहार और उसकी हरकत समझ ही नहीं आई। उसने भी पलटकर तेजी से खुला हुआ दरवाजा, जिसे चेतन अपनी धुन में खुला छोड़ाया था, उसे बंद किया और अपने कमरे में आकर लेट गई। इधर कमरे में पहुंचकर चेतन बिना लाइट ऑन किए सीधे अपने बाथरूम की ओर बढ़ जाता है और वहां जाकर तेजी से अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारने लगता है। दिन भर की भारी थकान के बाद वो यूं ही बिस्तर पर नहीं जाना चाहता था। चेहरे पर पानी के छींटे मारता हुआ वो अब भी कालदूत, चित्रलेखा और उस चेतावनी को ही सोचे जा रहा था, मानो एक एक कर कड़ी में सारी बातें उसके सामने उभर रही हो। पर चेतन अब इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहता था, इसलिए वो तेजी से तौलिए से अपना चेहरा पोंछते हुए कमरे में आ गया। लाइट न जलने के कारण कमरे में काफी अंधेरा था। चेतन ने फौरन अपना चेहरा पोंछते पोंछते जैसे ही एक हाथ से लाइट जलाई, उसे सामने कुछ ऐसा दिखा कि उसकी चीख निकल गई। विक्रम, विक्रम, तुम यहाँ कैसे? उठो, उठो विक्रम, ये क्या हुआ तुम्हें? ये खून कैसा है? चेतन ने देखा कि उसके बिस्तर पर खून से लथपथ विक्रम पड़ा है, जो इसी गांव का है। चेतन चिल्ला चिल्ला कर उसे उठा रहा था, लेकिन विक्रम के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। और उसे इस हालत में देखकर अब चेतन जोर जोर से चिल्ला पड़ा, वीर सिंह, माही, अरे तुम लोग सुन रहे हो? जल्दी आओ, देखो क्या हो गया है ये सब, वीर सिंह, माही। चेतन की इस तरह चीखती आवाज पर घर की लाइटें एक एक कर जलने लगी। माही और वीर सिंह अपने अपने कमरे से दौड़ते हुए हर जगह की लाइट जलाते हुए तेजी से चेतन के कमरे की ओर दौड़े। और कमरे में घुसते ही चेतन की ओर देखते हुए वीर सिंह बोला, क्या हुआ चेतन भाई, इतनी रात में ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? पर डरा सहमा चेतन, जो अभी कुछ मिनट पहले जोर जोर से चीख रहा था, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जिसे देखकर माही थोड़ा डर गई, पर फिर भी हिम्मत जुटाकर बोली, क्या हुआ है चेतन, कुछ तो बोलो, कोई आया था क्या कमरे में, किसी का फोन, कुछ तो बोलो चेतन। पर चेतन अब भी खामोश रहा। इस पर वीर सिंह ने अब थोड़ी ऊंची आवाज में चेतन को छिड़कते हुए पूछा, अरे कुछ तो बोलो चेतन, हमें आके कैसे पता चलेगा कि यहाँ हुआ क्या है? और वीर सिंह के छिड़कते ही चेतन मानो होश में आ गया हो, वो चिल्लाते हुए बोला, वो बेड पर खून, विक्रम, विक्रम का खून कर दिया किसी ने और मेरे पेट पर लाकर रख दिया। ये सुनते ही वीर सिंह और माही एक साथ बड़बड़ाए, विक्रम का खून, क्या बकवास कर रहे हो चेतन, कहाँ है खून, कोई नहीं है इस बेड पर। और इतना सुनते ही चेतन ने एक झटके से अपनी पलके झपका कर देखा तो सचमुच वहां कोई नहीं था सिवाय माही और वीर सिंह के। वीर सिंह ने झट से पास में पड़े जग से एक ग्लास पानी निकालकर चेतन की ओर बढ़ाते हुए उससे कहा, भ्रम था तुम्हारा, लो पानी पियो। बहुत सोचने लगे हो आजकल अनाप शनाप, दिमाग को थोड़ा के लिए दिए हैं, बेवजह उलझाने के लिए नहीं, इसलिए इसका इस्तेमाल बचा बचा कर किया करो, दोबारा कह रहे हैं आराम दो इसे। ये कहकर वीर सिंह चेतन की पीठ थपथपाते हुए बोला, शुभ रात्रि, चलो अब दरवाजा बंद करो ठीक से और आराम करो। ये बोलकर वीर सिंह कमरे से बाहर की ओर निकल गया और माही भी उसके पीछे पीछे बढ़ने लगे। और चेतन, जो कि अभी तक बुत बना खड़ा था, वो सिर हिलाकर आगे बढ़कर दरवाजा बंद करने लगा तो देखा माही अभी भी उसे चिंता भरी नजरों से देखते हुए वीर सिंह के पीछे पीछे अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी और वो चाहकर भी फिलहाल चेतन की किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकती थी। अभी अभी जो कुछ भी हुआ था
उसके बाद चेतन की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो एक कदम भी बेड की ओर बढ़ाए, और जहां अभी अभी उसने विक्रम की खून से सनी बॉडी को अपनी आंखों से देखा था। पर चेतन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो तेजी से लाइट ऑफ करके बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें झटके से बंद होती और झटके से खुल रही थी। चेतन की आंखों में नींद भरी थी, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल अशांत था। वो रह रहकर अपने अगल बगल कुछ टटोलने की कोशिश करते हुए खुद को यकीन दिला रहा था कि सब ठीक है। तभी उसका फोन बज उठता है। चेतन की धड़कनें एक बार फिर तेज हो उठती है, क्योंकि फोन दोबारा उसी तरह बज रहा था। उसके फोन की स्क्रीन रेड हो रही थी और तेजी से ब्लिंक कर रही थी। चेतन ने तेजी से फोन को खुद से दूर करने के लिए उठाया ही था कि फोन में से एक गड़गड़ाहट भरी आवाज आई, जिसे सुनते ही चेतन फोन को दूर फेंक देना चाहता था, लेकिन इससे पहले उस आत्मा मधुमिता की आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। तुम्हें अतीत में आना ही पड़ेगा चेतन, क्योंकि मुझे हारने की आदत नहीं है और मेरी जीत के लिए तुम्हें अतीत में आना ही होगा। इस पर चेतन ने डरते हुए कुछ बोलना ही चाहा था कि फोन से खिलखिलाने की आवाज आई और फिर चेतावनी। अभी भी वक्त है चेतन, अपना फैसला बदल लो, क्योंकि जिस अतीत में तुमने आने के लिए खुद को रोका है ना, उसका हर जाना तुम्हें भुगतना ही होगा। चेतन फोन से निकल रही आवाजों से अभी भी दंग था, और आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले एक आखिरी चेतावनी कमरे में गूंज गई। चित्रलेखा के समय काल में जाकर तुमसे अनजाने में लावण्या के साथ एक गलती हुई है और उसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। और अगर मेरी बात नहीं मानी तो विक्रम की मौत तय है, और जानते हो उसका खून कौन करेगी? तुम्हारी प्यारी चित्रलेखा, मतलब खूनी वधू। और इसके साथ ही कमरे में जोर से हंसने की आवाजें गूंजने लगती है, और चेतन डरा सहमा उन चेतावनियों को सुनकर तंग रह जाता है। आखिर क्यों रोका है चित्रलेखा और कालदूत ने चेतन को वापस अतीत में जाने से, और क्या है इस रहस्यमयी अजीब फोन कॉल की चेतावनी का राज? जानने के लिए सुने कहानी का अगला अंश सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। भूतकाल से आए मधुमिता के उस कॉल और विक्रम को मारने वाली चेतावनी से चेतन बुरी तरह से घबरा गया था। इस वक्त वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था, और तो और अब तो कालदूत ने भी मदद करने से हाथ खड़े कर दिए थे। चेतन ने मन ही मन सोचा, कालदूत ने कह तो दिया कि अतीत में नहीं जाना है, लेकिन अगर नहीं गया और कोई अनहोनी हो गई तो क्या मैं खुद को कभी माफ कर पाऊंगा? ये सोचते हुए चेतन उठकर अपने कमरे के बाहर छत पर टहलने लगा। वो अभी भी खुद में बड़बड़ाए जा रहा था, अतीत में जाऊं तो मुझे खतरा, और ना जाऊं तो गांव वालों को, यहां तक कि चित्रलेखा भी मुझे मना कर चुकी है अतीत में जाने से। लेकिन अगर आज का भ्रम कहीं सच हो गया और विक्रम की सच में मौत हो गई तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं रहूंगा। अतीत के ख्यालों में डूबे चेतन को ठंड का एहसास तब हुआ जब उसका स्वेटर ओस की बूंदों से भीग चुका था। वो फुर्ती से अंदर आया और रजाई तान कर लेट गया। लेटे लेटे चेतन को ख्याल आया कि आखिर ऐसी क्या गलती हुई है मुझसे जो मधुमिता चेतावनी देकर सबको नुकसान पहुंचाना चाहती है। लेकिन जो भी हो, मैं मेरी वजह से किसी और को मरने नहीं दूंगा। कल सुबह होते ही विक्रम को आगाह कर दूंगा। ये सब सोचते हुए कब चेतन की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा माँ ही उसके सामने चाय लेकर खड़ी थी। चेतन साहब, चाह लेके आई मैं आपके वास्ते, ऐसे ही बोलते हैं ना मुंबई में? ये सुनकर चेतन मुस्कुरा उठा। इस पर माही ने थोड़ा और नजदीक जाकर उसे छेड़ते हुए पूछा, अब मन शांत हुआ या अभी भी विक्रम की लाश के साथ चिपक के सोए हो? इसे सुनते ही चेतन को रात की सब बातें याद आ गई, और उसने हड़बड़ा के पूछा, ओ नो माही, टाइम क्या हुआ? माही बोली, 10 बजे, लेकिन क्यों? चेतन ने बेचैन होते हुए कहा, ओ शिट, मुझे विक्रम को कॉल करना था। कहते ही उसने अपना फोन उठाया और विक्रम को जल्दी से कॉल लगाया। कई रिंग जाने के बाद दूसरी ओर विक्रम ने भी कॉल उठाया। हेलो चेतन, उसकी आवाज सुनकर चेतन हड़बड़ाते हुए बोला,
विक्रम, मेरी बात ध्यान से सुनो। चेतन की आवाज सुनकर विक्रम भी थोड़ा घबरा गया। अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कोई मरमरा तो नहीं गया तुम्हारे आसपास? इस पर चेतन ने उसे जोर से डांटते हुए कहा, चुप रहो यार, कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हो सुबह सुबह, ये बताओ तुम हो कहाँ अभी? इस पर विक्रम ने भी कहा, अरे कुछ नहीं, वो जरा बाजार समिति से दुकान के लिए अनाज उठाने आए हुए हैं। बताओ ना क्या बात है? ये सुनते ही चेतन ने थोड़ी गंभीर आवाज में कहा, सुनो मेरी बात को मजाक में मत लेना, देखो तुम्हारी जान को खतरा है। और चेतन की बात पूरी होती इससे पहले ही विक्रम की हंसी छूट गई। उसने हंसते हुए कहा, मजाक में मत लेना कह के मजाक करते हो? इसे सुनते ही अब चेतन गुस्से में बोला, मैंने कहा ना विक्रम ये मजाक नहीं है। पर चेतन की इस बात पर विक्रम इस बार ठहाका लगाकर हंसते हुए बोला, अबे यार यमराज से मीटिंग हुई है क्या? चलो हम थोड़ा बिजी है, शाम को बैठते हैं चौपाल में, फिर वहां बनाएंगे माहौल मजाक का। अभी रखो। हंसते हुए विक्रम ने कॉल कट कर दिया। फोन डिस्कनेक्ट होते ही चेतन गुस्से से उठा और बाहर जाने लगा। इस पर माही ने पूछा, कहाँ चल दिए? चेतन ने शर्ट पहनते हुए कहा, बाजार समिति, और कहाँ? विक्रम की जान खतरे में है। इससे पहले माही कुछ कहती चेतन कमरे से निकल चुका था। वो वीर सिंह की साइकिल उठाता है और तेज तेज पैदल मारता हुआ बाजार समिति की तरफ जाने लगता है। बस स्टॉप के पास से निकलते हुए उसने एक बच्ची को देखा जो कि उसकी तरफ किसी बुजुर्ग की तरह घूर कर देख रही थी। चेतन ठिटक गया, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ क्योंकि उसके देखने के अंदाज में एक अजीब सा खिंचाव था। चेतन ने सोचा, ये अकेली बच्ची इस बस स्टॉप पर मुझे ऐसे क्यों देख रही है? उसने जैसे ये सोचा तभी वो लड़की मुस्कुराई। चेतन का शक सही निकला। उसकी मुस्कुराहट से चेतन डर गया पर हिम्मत करके उसकी तरफ आगे बढ़ा। जैसे ही उस बच्ची की तरफ चेतन ने कदम बढ़ाया, उस बच्ची की मुस्कान कुटिल हो गई जिससे चेतन घबरा गया। उसने हड़बड़ा के पूछा, कौन हो तुम, हंस क्यों रही हो ऐसे? उस बच्ची ने किसी बूढ़ी औरत की आवाज में कहा, तुम विक्रम को बचाने नहीं उसको मारने जा रहे हो। अतीत में जीवन है और वर्तमान में मौत। चेतन ने उस लड़की की तरफ गौर से देखा क्योंकि उसकी आवाज उसे जानी पहचानी से लग रही थी। उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला लेकिन उस बच्ची का चेहरा उसने कभी नहीं देखा था। तभी अचानक उसे याद आया कि खूनी वधू की जो आवाज उसे मारने की बात करती है ये बिल्कुल वही आवाज है। उसके ऐसा सोचते ही उस बच्ची की आंखें और भयावह हो गई। वो उस बच्ची की आंखों की तरफ देख ही रहा था कि तुरंत एक पल में वो आंखें सामान्य हो गई और वो बच्ची मुस्कुराने लगी। चेतन बुरी तरह घबरा गया। उसने सोचा, जरूर ये किसी की साजिश है ताकि मुझे विक्रम तक पहुंचने में देर हो जाए। ये सोचता हुआ चेतन जल्दी से उठा और साइकिल उठाकर तेज चलाता हुआ बाजार समिति की ओर भागा। जहां एक ओर चेतन विक्रम को बचाने की कोशिश में था, वहीं दूसरी ओर वो तांत्रिक बाबा जिसने खूनी वधु को वश में करने की हठ ठान रखी थी, वो तेज तेज कदमों से पहाड़ी की ओर बढ़ते हुए जोर जोर से बोले जा रहा था कि आखिर चिरंकारी बाबा ने मुझे सिद्धि प्राप्ति के दूसरे चरण के लिए अपने शिष्य के पास क्यों भेजा और ऐसा क्यों कहा कि मुझे अपनी विद्याओं को पूर्ण करने के लिए परीक्षा देनी होगी। वो बिना रुके लगातार चला जा रहा था। चलते चलते उसे दूर सूर्य की रोशनी में चमकती हुई एक गुफा दिखी और उसके पैर अचानक से रुक गए। उसकी आंखों का तेज बढ़ गया और चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। उसने गर्व से कहा, जो भी हो मैं ये सिद्धियां प्राप्त करके रहूंगा और किसी भी कीमत पर उस खूनी वधु से अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। उससे बदला लेना मेरे जीवन का सबसे बड़ा और आखिरी लक्ष्य है। अब तो उल्टी गिनती शुरू कर ले खूनी वधु। कहते हुए तांत्रिक और उत्साह से गुफा की ओर बढ़ने लगा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था तेज हवा उसे उल्टी दिशा में धकेल रही थी। उसने खुद से कहा, हो सकता है शिक्षा देने से पहले चिरंकारी बाबा का ये शिष्य मेरी परीक्षा ले रहा हो, मुझे इसमें विजय होना है। और ये कहते ही वो तांत्रिक तेज हवाओं से बचने के लिए जमीन पर लेट गया और रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा। वो रेंगते हुए गुफा के दरवाजे पर पहुंचा। उसका पूरा बदन
पत्थर से घिस घिस कर लहू लुहान हो चुका था। उसने उठकर जैसे ही गुफा के अंदर कदम बढ़ाया, तभी उसके सामने वहां एक तालाब खुल गया जिसमें वो गिर गया। उस तालाब से तैरते हुए वो जैसे ही बाहर निकला, उसके सामने एक विशालकाय मनुष्य था जिसके सर के बाल किसी पेड़ की बड़ी बड़ी लताओं जैसे एक पहाड़ से चिपक गई थी। उनका पूरा शरीर एक पहाड़ के ढांचे जैसा दिख रहा था। तांत्रिक ने उसको देखा और आश्चर्य से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। चिरंकारी बाबा के उस शिष्य ने बिना आंखें खोले कहा, तू यहां तक भी आ गया? बदली की आग में तू कहीं पूरी सृष्टि का सर्वनाश ना करते। यहां तक आना तेरे अंदर की ज्वाला का प्रमाण दे रहा है। इसलिए सुझाव दे रहा हूं, उससे मत उलझ। उसको वश में करने की इच्छा को भूल जा, छोड़ दे यह हट। चिरंकारी बाबा के उस शिष्य की बात सुनकर तांत्रिक हाथ जोड़कर वहीं जमीन पर लेट गया, जैसे उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहा हो, और हाफता रोता हुआ बोला, मेरे इस तपस्या को बेकार मत जाने दीजिए बाबा। आप तो जानते हैं, उसको वश में करना अब मेरी आत्मा का एकमात्र उद्देश्य है। इधर तांत्रिक उन्हें मना रहा था और उधर भरी दोपहरी फूलपुर गांव के बाजार समिति में विक्रम अपनी बाइक पर चावल की बोरी डालकर गांव की तरफ लौट रहा था। लौटते हुए उसे चेतन की बात याद आई जिसने उसने कहा था कि उसकी जान को खतरा है। वो अकेले में हंसता हुआ जंगल के बीचों बीच चला जा रहा था, तभी अचानक से उसकी बाइक रुक गई और पल में मौसम बदल गया। चारों तरफ से तेज हवाएं चलने लगी और इसी बीच रात की रानी की फूल की खुशबू चारों तरफ फैल गई। ये अचानक से मौसम को क्या हो गया, और ये कैसी महक है, कहां से आ रही है? विक्रम ने अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। इतने में अचानक उसे पायलों की छमछम सुनाई पड़ी। विक्रम जंगल के बीचों बीच पायल की आवाज सुन चौंक पड़ा। वो अभी कुछ समझ पाता कि अचानक उसे थोड़ी दूरी पर एक जोड़े में दुल्हन खड़ी दिखाई पड़ी। विक्रम अभी ये सोच ही रहा था कि वो दुल्हन कौन है, इतने में वो अगले ही पल विक्रम के पास आ गई और कहा, तुम विक्रम हो ना? विक्रम उसके मुंह से अपना नाम सुनकर डर गया। उसने घबरा के पूछा, आपको कैसे पता मेरा नाम? इस पर दुल्हन ने कसक भरी निगाह से उसे देखा और बोली, मुझे जो चाहिए होता है मैं उसे पहचानने में देर नहीं करती। कहते हुए वो विक्रम के सीने पर अपनी एक उंगली रखते हुए उसके बिल्कुल नजदीक आ खड़ी हुई। खूनी वधु के स्पर्श से ही विक्रम सब कुछ भूल बैठा और उसकी आंखों में खो गया। देखते ही देखते विक्रम ने खूनी वधु के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और संजीदगी से चूमने लगा। विक्रम ने उसे चूमते हुए अपनी गोद में उठाया और ले जाकर उसे पास के पेड़ के नीचे लटा दिया। खूनी वधु उसके बदन में सिमटती जा रही थी और विक्रम उसको कमर से पकड़कर उसके पूरे बदन को पागलों की तरह चूमे जा रहा था। विक्रम ने धीरे से खूनी वधु को निर्वस्त्र कर दिया और उसकी गर्दन और सीने पर अपनी उंगलियां फेरते हुए उसके होंठों को बेतहाशा चूमने लगा। तभी अचानक विक्रम ने खूनी वधु की आंखों को चमकते देखा तो उसकी चीख निकल गई। खूनी वधु की आंखें ग्लो कर रही थी। विक्रम ने हड़बड़ाते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है तुम्हारी आंखों में? ये कहते हुए वो उसे छटक कर दूर हट गया। इस पर खूनी वधु ने जोर जोर से हंसना शुरू किया और डर से पीछे हटते हुए विक्रम को पकड़ के अपनी बाहों में जकड़ लिया। विक्रम चीखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पकड़ से आजाद नहीं हो पा रहा था। वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इतने में विक्रम की एक चीख निकल पड़ी उस सुनसान रास्ते पर। उधर चेतन तेजी से पैडल पर पैडल मारते हुए साइकिल से चला जा रहा था। वहां वीर सिंह के घर पर वीर सिंह और माही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वीर सिंह नाश्ता कर रहा था और माही वहीं बैठी थी। वीर सिंह ने कहा, पता नहीं क्या हो गया है चेतन को, इस तरह वो निराश होकर कहीं खुद पागल ना हो जाए। गांव वालों की मदद करने के चक्कर में कहीं वो अपनी जान न गवा बैठे। हमें बहुत चिंता हो रही है उसकी। माही भी चिंतित थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने कहा, भैया मैं किसी को जानती हूं जो चेतन को ठीक करने में हमारी मदद कर सकती है। वीर सिंह ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा और पूछा, कौन कर सकती है इसमें हमारी मदद माही? माही ने कहा, मेरी एक दोस्त बनी है नई, पास के ही गांव में रहती है, नाम है अर्पणा।
ये नाम सुनते ही वीर सिंह के कान खड़े हो गए। वो एकाएक खांसने लगा। उसने पानी का एक घूंट लिया और खुद को संभालते हुए उसने माही से पूछा, जिससे अर्पणा को वो जानता ही ना हो, माही कौन है ये और तुमसे कैसे उसकी दोस्ती हुई? माही ने कहा, बस ऐसे ही एक दिन मंदिर में मुलाकात हो गई थी। बहुत अच्छी है, उसे बहुत कुछ पता है इन सब के बारे में। माही की बात सुनकर वीर सिंह को अर्पणा पे बहुत गुस्सा आया, लेकिन माही के सामने उसने अपने गुस्से को छुपा लिया और कहा, इस मसले पे मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगा, अभी तुम जाओ खाना खा लो, मुझे भी कहीं जाना है। ये कहकर वीर सिंह उठ के हाथ धोने चला गया। उसने मन में सोचा, अर्पणा मेरे पीठ पीछे आखिर कर क्या रही है। इधर जहां माही की बात सुनकर वीर सिंह अर्पणा के बारे में सोच रहा था, तो दूसरी तरफ चेतन विक्रम के बारे में सोचते हुए साइकिल पर तेजी से जा रहा था। उसने विक्रम को कॉल किया तो किसी ने फोन उठाया और कहा, चेतन। ये आवाज सुनकर चेतन के होश उड़ गए। वो लड़खड़ा कर साइकिल से गिर गया, क्योंकि यह आवाज विक्रम की नहीं बल्कि मधुमिता की थी। तभी फिर मधुमिता की आवाज आई, अब लौट जाओ और कमरे में जाकर मेरी सौगात स्वीकार करो। चेतन ने पूछा, क्या है मेरे कमरे में? लेकिन तब तक कॉल कट हो गया और फोन ब्लिंक करके ऑफ हो गया। चेतन घबराते हुए उठा और साइकिल वापस मोड़कर सरपट वीर सिंह के घर पहुंचा। वीर सिंह अब घर से निकल ही रहा था कि तभी चेतन पागलों की तरह चीखता हुआ अपने कमरे की तरफ भागा। उसे इस तरह भागते देख वीर सिंह और माही भी उसके पीछे भागे। चेतन जैसे ही अपने कमरे में घुसा तो वो जोर से चिल्ला पड़ा, वीर सिंह अनर्थ हो गया। वीर सिंह और माही भी तुरंत दौड़ते हुए वहां आ गए। तीनों की आंखों के सामने चेतन के बिस्तर पर विक्रम की लाश पड़ी थी। उसे देखकर चेतन का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने घबराते हुए कहा, ये क्या हो गया वीर सिंह? मेरी गलती की सजा इस निर्दोष को क्यों मिल गई? वीर सिंह और माही की भी आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों को यकीन हो गया कि चेतन कल रात झूठ नहीं बोल रहा था। अब क्या होगा चेतन का अगला कदम? क्या जाएगा वो अतीत में, या ऐसे ही एक एक करके पूरे गांव वाले हो जाएंगे खूनी वधु का शिकार? जाने के लिए सुनते रहिए खूनी वधु, सिर्फ पॉकेट FM।